हेलो, हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग हेलो, गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. सो बहुत लोग जुड़ चुके हैं. सो वी विल स्टार्ट अराउंड 35. गुड इवनिंग एवरीवन. वी विल स्टार्ट अराउंड 8:35 एंड देन वी वोंट रिपीट, बिकॉज फिर वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है रिपीट करना. वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स एंड वी विल स्टार्ट एट 8:35, राइट? नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन. सो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग टुडे. सो इट माइट बी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द नेम्स. बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. सो एटलीस्ट राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू कम. एंड आज का जो टॉपिक है, हम कैसे करेंगे, पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे कि किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से अप्रोच करना है. वी विल अंडरस्टैंड, वी विल लर्न, वी विल टॉक अबाउट दैट. एंड देन उसके बाद हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शंस बाइंग की बात करेंगे. कल दोपहर को हम ऑप्शन सेलिंग की बात करने वाले, ऑप्शन बाइंग मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी. यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? और आई विल टेल यू कपल ऑफ सिस्टम आई विल रिकमेंड विच यू कैन यूज. थोड़ा प्राइस एक्शन बेस्ड रहेगा, विच यू कैन ट्रेड. सो वी विल टॉक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी. सो जो लोग इक्विटी इक्विटी या बहुत बेसिक सीख रहे हैं, उनको ये निफ्टी बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं समझेगा. सो दे कैन दैट टाइम दे कैन डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू द लेक्चर, और दे माइट कंटिन्यू ऑल्सो. बट साइकोलॉजी का पार्ट सेम रहेगा, सो दे माइट वॉन्ट टू कंटिन्यू ऑल्सो. अभी भी काफी लोग जुड़ रहे हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि नाइस टू सी यू, नाइस टू सी एवरीवन. नाइस टू सी एवरीवन. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 3 मोर मिनट्स. पहले हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे, विच विल बी एप्लीकेबल टू इवन इक्विटी. सो इसके लिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई नए लोग है जो इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, इक्विटी पे स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट होती है. सो दे कैन अटेंड एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट जहाँ पे हम एक ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, वहां पे अटेंड करना है नहीं करना है, दैट इज देयर चॉइस. कुछ चीजें उनको नहीं समझेगी, कुछ सवाल उनको नहीं समझेंगे, बिकॉज इट विल बी अबाउट ऑप्शन बाइंग. बट दे कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली प्राइस के रिगार्डिंग या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग क्या हो रहा है. जैसे मैं बोलता हूँ कि कॉल खरीदना है, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि वी आर टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड. पुट खरीदना है, तो वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड. सो दे कैन अटेंड होल लेक्चर इफ दे विश टू, बट कुछ चीजें उन्हें नहीं समझेगी, सो दे शुड लेट इट गो, बिकॉज ऑप्शन उनका सब्जेक्ट अभी है नहीं, इक्विटी सब्जेक्ट है, राइट? सो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं ये बोल रहा हूं. या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. वन मोर मिनट. 8:35 वी विल स्टार्ट. I think it is almost 8:35. ऑप्शन बाइंग बोला तो बहुत भीड़ हो जाती है. ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बहुत लोगों का बहुत ही नजदीक है. ऑप्शन बाइंग बहुत लोगों के लिए
बहुत ही दिल के करीब है। राइट राइट। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन की बेसिक्स की बात नहीं होगी अभी, तो ऑप्शन को तो आपको मैं बेसिक से सिखाऊंगा, ऑप्शन की बेसिक्स की बात नहीं होगी। जो ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग में है उनके लिए ट्रेडिंग सिस्टम बताऊंगा मैं कि क्या कर सकते हैं, बट पहले हम साइकोलॉजी की बात करेंगे विच विल अप्लाई टू इक्विटी एज वेल एज ऑप्शन। उसके बाद में ऑप्शन बायर्स के लिए मैं कुछ सिस्टम्स बताऊंगा, जो इक्विटी वाले लोग हैं वो चाहिए तो वो टाइम पे इग्नोर कर सकते, लीव कर सकते या स्टे कर सकते हैं, बट अभी जो बात होगी वो ऑप्शन। या दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। साइकोलॉजी के बिना ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते ना। यस, ऑप्शन ट्रेडिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग। सो वी विल कम टू दैट। कुछ चीजें आपको, जैसे आप अटेंड करोगे सुनील जी, तो कुछ चीजें आपको नहीं समझेगी क्योंकि वो आपको करना ही नहीं है, बट कुछ चीजें आपको समझेगी कि वो ये कॉम्प्लिकेटेड है, अभी नहीं करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलो शुरुआत करते हैं। आई थिंक लास्ट दो जग दो और दो लोग आ रहे हैं, तो उनको अंदर ले लेते हैं। राज जी आ रहे हैं या जो भी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नीरज जी वेलकम। आई थिंक नीरज जी और आज कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, आज कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं। नीरज जी ज्वाइन हुए हैं और आई थिंक आज और भी कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं। सो सुधीर जी, सुधीर जी, आई डोंट नो सुधीर जी आए हैं कि नहीं, बट एनीवे हम शुरुआत करते हैं अभी, बिकॉज वेलकम वेलकम एवरीवन। क्योंकि आई थिंक 8:37 हो गया है, वी आर ऑलरेडी लेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, सो बेसिकली जब हम ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करते हैं तब ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिस इज लाइक योर सीट बेल्ट। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी क्रैश हो जाएगी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एक्चुअल योर ड्राइविंग स्किल, उसके बिना तो आप कर भी नहीं सकते कुछ। तो यू कैन थिंक लाइक कि रिस्क मैनेजमेंट इज योर सीट बेल्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज योर ड्राइविंग स्किल, और जो कार है या जो बाइक है दैट इज योर टेक्निक। ठीक है, सो अगर आपको कार आती है, अगर आपको बाइक आती है, अगर आपको बैलेंस आता है, तो आप कोई भी बाइक चला सकते हो, कोई भी कार चला सकते हो, कोई भी व्हीकल चला सकते हो, यू आर राइट और नॉट। बट लोग क्या करते हैं कि लोग एक एक बाइक ट्राई करते हैं, बैलेंस सीखा नहीं है, साइकिल सीखी नहीं, एक बाइक ट्राई करते गिर जाते, फिर उनको लगता है बाइक में खराबी है, दूसरी बाइक ट्राई करते वो गिर जाते, तीसरी बाइक ट्राई करते बोलते अरे बाइक बेकार है। अरे बाइक बेकार नहीं है, तुझे बैलेंस नहीं आ रहा है करने को, तू अभी तक बाइक सीखा नहीं है। या रोज कार चेंज करते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते, कार आती नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, जोर से आप ड्राइव करोगे तो फिर एक्सीडेंट होगा, और यहाँ पे एक्सीडेंट जब होगा हमें खुद को ही चोट आएगी, दूसरा कोई है ही नहीं। राइट, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है बेसिकली। सो इट इज लाइक योर कार इज योर स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट इज अ सीट बेल्ट, एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज योर ड्राइविंग स्किल। ठीक है, सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है टेक्निक। तो अभी हम इन जनरल बात करेंगे एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स ऑप्शन बाइंग। होता क्या है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर मुझे ट्रेडिंग में पैसा लगाना है तो आई वांट सम सर्टेनिटी, आई वांट सम गारंटी कि पैसा बनेगा ही बनेगा। और जितने भी लोग हैं वो इस गारंटी के चक्कर में नई नई टेक्निक, नए नए सिस्टम, नए नए अल्गो, नए नए कोर्सेस, नए नए बुक, इनके पीछे रहते हैं।
क्योंकि बचपन बचपन से हमने सीखा है कि पढ़ाई करनी है, जितनी पढ़ाई करोगे ज्यादा उतना मार्क्स मिलेगा, ऐसा हमें लगता है, राइट? कई लोग लेट आ रहे हैं यार, इतना लेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिपीट थिंग्स ना, डिफिकल्ट हो जाता है रिपीट करना, सुनने वाले को भी और मुझे भी। कुछ लोग लेट आए, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, पर 1-2 मिनट ही हुआ है, यू कैन कैच इट अप इन द रिकॉर्डिंग। 1 मिनट ही हुआ है शायद, या वही वही वही, यस। तो बेसिकली ऑप्शन बाइंग की बात में करेंगे बात, अभी पहले साइकोलॉजी समझ लेते हैं, ट्रेडिंग मैनेजर, ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट समझ लेते। तो जैसे कि बोला कि मैंने कि अगर आप एक कार या बाइक ड्राइव कर रहे हो, तो वो कार या बाइक जो है वो आपकी स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेजमेंट आपका सीट बेल्ट है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका ड्राइविंग स्किल है। अगर आपको कार या बाइक आती है तो आप कोई भी कार या बाइक चला सकोगे। थोड़ा सा नई बाइक चलाते वक्त, नई कार चलाते वक्त थोड़ा सा गियर अलग होता है, किसी का पहला गियर नीचे होता है, किसी का पहला 2 गियर नीचे होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कार या बाइक नहीं होती है, बट अदरवाइज कार कार होती है, बाइक बाइक होती है, वो चलानी आनी चाहिए तभी आप आगे जा सकते हो। एग्जैक्टली सेम वे लोगों का क्या होता है मार्केट में, कि लोग जब आते हैं मार्केट में तो उनको सर्टेनिटी चाहिए, आई वॉन्ट सर्टेनिटी कि मेरा पैसा बनेगा और बढ़ेगा। तो उस सर्टेनिटी के चक्कर में क्या होता है कि लोग भागते रहते, सालों साल भागते रहते, नई नई ट्रेडिंग सिस्टम, नए नए टेक्निक यूज करते रहते। लोग एक सिंपल चीज नहीं समझते कि आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करोगे, हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखेगा आपको। 1 डे में ऐसे दिखेगा, 5 मिनट में देखो ये 5 मिनट में साइडवेज निगेटिव दिख रहा है, पर 1 डे में पॉजिटिव दिख रहा है, हो सकता है 1 मंथ में और ही स्टोरी है। तो हर हर एक जगह पे, हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग लोग अलग अलग पैसा लेके, अलग अलग पावर लेके, अलग अलग तरह से ट्रेड कर रहे हैं। कोई आदमी इसके लिए आज खरीदी कर रहा है क्योंकि उसको आज पीएफ का या बोनस का पैसा मिला, कोई आदमी इसके लिए बेच रहा है क्योंकि घर में शादी है उसको फंड चाहिए। सो एवरी वन हैज ओन रीजन। कोई इसके लिए निफ्टी को शॉर्ट कर रहा है क्योंकि उसने गोल्ड में बहुत बड़ा पोजिशन लिया एंड ही वॉन्ट टू हेज, उसको नहीं लगता है कि निफ्टी गिरेगा, बट ही जस्ट वॉन्ट टू हेज, इसके लिए उसने आज शॉर्ट किया, एनीथिंग कैन हैपन। तो लोग ये समझ नहीं पाते कि इन जनरल पहला कंसेप्ट है कि मार्केट इज रैंडम, मार्केट रैंडम है, और अगर मार्केट रैंडम है तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी टेक्निक, कोई भी टेलीग्राम चैनल, कोई भी अल्गो आप पकड़ो तो उसका जो रिजल्ट होगा ना वो ओवर 50 ट्रेड्स, ओवर 100 ट्रेड्स, उसका कुछ मीनिंग होगा, इट विल हैव सम मीनिंग, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप टॉस करते हो, ठीक है? तो जब आप टॉस करते हो तो किंग स्केल कुछ भी आ सकता है। जब आप 100 बार टॉस करोगे तो जनरली 50 बार किंग, 50 बार स्केल के आसपास नंबर आएगा। जब 1000 बार करोगे तो नंबर और 50-50 के करीब आएगा। 10,000 बार करोगे तो और 50-50 के करीब आएगा, 50-50% के। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर। एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम है जो सपोज 70% आपको प्रोबेबिलिटी देती है, तो वो प्रोबेबिलिटी अगेन मिनिमम 50 ट्रेड्स के ऊपर ही ट्रू है। सिंगल ट्रेड के ऊपर उसको कोई मतलब नहीं है। जब एक सिंगल ट्रेड लेते हो कोई ट्रेडिंग सिस्टम में, उसका रिजल्ट कंप्लीटली रैंडम है, उसका कोई मतलब नहीं है उस ट्रेड का। पर होता क्या है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली एक नया ट्रेडर जो है इस वो एक ट्रेड पे काफी सारा पैसा लगा देता है, काफी बड़ी रिस्क ले लेता है, और बड़ी रिस्क लेने के बाद उसको ये पता नहीं है ना कि ये
रैंडम रिजल्ट होगा, सिंगल ट्रेड का कोई रिजल्ट का मतलब नहीं है, उसको नहीं समझता है कि उसको ये मैक्रो लेवल पे आपकी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ये पर्टिकुलर ये ट्रेड पे एक्सपेक्टेशन रखता है कि भगवान आज कुछ भी करके स्टॉप लॉस बचा ले, टारगेट हिट करा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा वीकेंड में, मन्नत मांगता है कि आज कुछ भी करके भाई स्टॉप लॉस बचा ले। हालांकि इस ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, ये तो जस्ट वन ऑफ द ट्रेड्स है, पर ट्रेडर वो नहीं समझता है और वो पैसा भी बहुत ज्यादा लगा देता है। और यहाँ पे जब बड़ा पैसा लगने के बाद जब बड़ा लॉस भी होता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता है, एवरेजिंग भी करता है, बड़ा लॉस होता है तो उसका कैपिटल कम होता ही है, बट उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, वो निगेटिव हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहली चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी। आप अगर ऑप्शन बाइंग या इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड ट्रेड विथ 1%। अगर आप ऑप्शन राइटिंग में कर रहे हो तो वहां पे टाइम आपके साथ है, तो आप 2-2.5% तक जा सकते हो छोटे कैपिटल पे शुरुआत पे, बाद में तो मुझे लगता है 2% ही रखना चाहिए, बट ऑप्शन बाइंग या इक्विटी पे आपको 1% से ही चालू करना चाहिए, 1% ऑफ योर कैपिटल रिस्क करना चाहिए। अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो 100 रुपये का रिस्क लेना चाहिए। और कई लोग मुझे पूछते हैं फिर सर ऑप्शन बाइंग में मेरा कैपिटल 5,000 है। अरे भाई तेरा कैपिटल रॉन्ग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 50 रुपये का रिस्क लेने, मैं बोल रहा हूँ कि तू पहले ट्रेडिंग सिस्टम समझ कि तुम्हारे ट्रेडिंग सिस्टम में, आपकी ट्रेडिंग सिस्टम में कितने का स्टॉप लॉस होता है। आपकी ट्रेडिंग सिस्टम में सपोज बैंक निफ्टी में, सपोज बैंक निफ्टी में आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, अभी 15 हो गया लॉट बैंक निफ्टी का, आपको पता होगा, तो 600 रुपये आप गंवाते हो, तो यू शुड हैव 60,000 रुपीज कैपिटल। ये मैं कह रहा हूं, यू शुड हैव 60,000 रुपीज कैपिटल अगर ये ट्रेडिंग सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो 40 पॉइंट बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस। आप मुझे ये मत पूछो कि मेरे पास 5,000 है मैं 50 पॉइंट करूं, ये नहीं बोल रहा, ये कैपिटल ही गलत है, ये कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है। 5,000 10,000 पे रोज पैसा बनेगा वैसा सोच के जो ट्रेड करता है वो सारा पैसा गवाते रहता है, मार्केट को देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सब झूठ है जो आज सब जगह फैलाया गया है। आप YouTube पे जाओ, Facebook पे जाओ, Telegram पे जाओ, आपको यही दिखाया जाता है कि 10,000 रुपया लेके आओ ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाओ। एक भी इंसान नहीं है जिसने ऐसा पैसा कमाया, हो ही नहीं सकता, मैथमेटिक्स के अगेंस्ट है, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। आपके पास डिसेंट कैपिटल होना चाहिए 40-50 हजार, और तभी आप 400-500 रुपये का रिस्क ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, जो इक्विटी में भी है, रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन इक्विटी ऑल्सो। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो आपके पास एक कंप्लीट क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। जैसे कि हमारा इक्विटी का प्लान है, फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने इक्विटी का प्लान पहले भी दिखाया है, नए लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको पता नहीं, बट बाकी लोगों को पता है कि इक्विटी का प्लान क्या है। तो आई विल शो, ये ट्रेडिंग सिस्टम अभी मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ट्रेडिंग प्लान का मतलब समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग प्लान का मतलब समझा रहा हूँ इस वक्त। लो कैपिटल यानी कितना? इक्विटी, यू शुड डू इक्विटी ना सर, इक्विटी पे ट्रेड करना है, इक्विटी में 5,000-10,000 से ट्रेड करके पहले प्रॉफिटेबल बनना है। ऑप्शन में अभी जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बाइंग में, उसके बारे में भी आता हूँ, ऑप्शन बाइंग इज द थर्ड स्टेज। सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग प्लान इज, दिस इज हाउ द ट्रेडिंग प्लान इज। आपको दिख रहा है ट्रेडिंग प्लान? आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड, जस्ट कम। वन सेकंड, मैं
आई विल शेयर नाउ, फॉर सम रीजन वो शेयर नहीं हो रहा था. ओके, ये ट्रेडिंग प्लान है. ये ट्रेडिंग प्लान में किस तरह से ट्रेड लेना है सब कुछ लिखा हुआ है. तो ट्रेडिंग प्लान आपके पास इस तरह का रिटर्न ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में कि कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कितने रुपीज का कैपिटल है, कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी लेवल यूज करनी है, चेकलिस्ट क्या है, क्या देखना है, एंट्री करते वक्त क्या क्या चीजें देखनी है, चेकलिस्ट भी चाहिए. एंड यू शुड हैव डायग्राम्स ऑल्सो, सो दैट यू आर वेरी क्लियर कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है. यू आर वेरी क्लियर, सो यू शुड हैव ट्रेडिंग प्लान, रिटर्न ट्रेडिंग प्लान अलॉन्ग विथ अ रिटर्न चेकलिस्ट, कि आपको क्या क्या अगर हो रहा है, ये हो रहा है, अगर ये चीज आपको दिख रही है ग्राफ पे, ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, तो आपको एंट्री करनी, नहीं तो नहीं करनी एंट्री. तो दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट, दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट. देन जैसे मैंने आज वेबिनार में दिखाया था आपको जर्नल, तो वैसे या दिवेश जी का भी जर्नल दिखाया था, पहले भी मैंने आपको दिखाया है महेश जी का, महेश जी का जर्नल, या काफी जर्नल से अपने पास जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं. इस तरह का डिटेल जर्नल होना चाहिए आपके पास कि आपने कौन से तारीख को एंट्री लिया, अप ट्रेंड में था, पॉलीकैप में एंट्री लिया, लॉन्ग ट्रेड लिया, एक्सपेंस कितना किया, एंट्री क्या हुआ, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसके बाद में 2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क, 3-1 रिवॉर्ड टू रिस्क से कितना पैसा बना, ये सब कुछ आपके पास फोटो के साथ होना चाहिए. अलॉन्ग विद द फोटो आपके पास अलॉन्ग विद द फोटो यू शुड हैव दैट स्टोर्ड. जब तक आप इस तरह से डेटा जमा नहीं करोगे, ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान में आपने लिखा है कि विच मार्केट, उसके बाद में हाउ टू एंटर, उसके बाद में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसके बाद में क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है, पोजीशन टारगेट कहाँ लेना है, एंड डायग्राम्स या एग्जांपल, ये सारा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास क्लैरिटी नहीं है और आपको पता नहीं है कब एंट्री करना है, आपके पास कोई प्लान नहीं है. और उसके पास आपके पास एक क्लियर कट जर्नल होना चाहिए जिसमें आप हर एक ट्रेड को नोट कर रहे हैं और हर एक आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं वो भी आप लिख रहे हो. दैट इज कॉल्ड माइंडसेट डायरी. Which can be part of your journal. और जब ये सारा कुछ होगा then only you can review. आप जब इस तरह से अलग अलग scenarios note करोगे, अलग अलग scenarios note करोगे profit taking का, तभी आपको समझेगा ना कि आपका किस system में किस reward to risk के साथ maximum पैसा बन रहा है. इसका मतलब for example आप एक ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, सपोज ओआरबी, एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं अभी ये ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ कि आप लॉन्ग साइड में बहुत ही स्ट्रांग सिलेक्ट करते हो, 1 आवर के ऊपर जैसे हम करते हैं स्ट्रांग सिलेक्शन करते हो, और अगर कभी भी कोई भी दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल स्ट्रांग बनती है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू ट्रेड दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कंसेप्ट समझा रहा हूँ जर्नल का कंसेप्ट समझा रहा हूँ. मैं अभी आपको ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बता रहा हूँ ये ट्रेड करने के लिए. तो सपोज आप एक ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड कर रहे हो कि अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस रखो और यहाँ पे एंट्री करो 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा. और आपका टारगेट होगा 2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क, 2-1. इसका मतलब क्या कि अगर आप 5 रुपए की रिस्क ले रहे हो, अगर आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस में 5 रुपए का अंतर है, तो आप
₹10 के ऊपर आपका टारगेट रखोगे. आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑल्सो सो दैट यू अंडरस्टैंड. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू टू ट्रेड दिस सिस्टम. मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको नोटिंग करना है जर्नल में आगे जाके. सपोज आपने ये यहाँ पे आपने बाय कर दिया. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है आपने, ₹6 का स्टॉप लॉस है आपका. कितना? ₹6 का आपका स्टॉप लॉस है, ₹6 का स्टॉप लॉस है, ₹6 का स्टॉप लॉस है इंट्राडे में. तो पहली चीज आपको समझनी है रिस्क मैनेजमेंट. ₹10,000 आपके पास कैपिटल है तो आप ₹100 का रिस्क ले सकते हो. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? 10,000 का कैपिटल है तो ₹100 का रिस्क ले सकते हो 1% के रूल से. तो अगर ₹6 का स्टॉप लॉस लगा के आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो देन यू विल बाय हाउ मच क्वांटिटी यू विल बाय 100/6 इक्वल टू 16. सो यू विल बाय 16 क्वांटिटी. आप यहाँ पे 16 क्वांटिटी बाय करोगे और इसको बोलते हैं रिस्क. ₹6 का रिस्क है तो आप ₹12 का रिवॉर्ड लेने की कोशिश करोगे, यानी 1553 + 12 = 1565. तो ये आपका टारगेट बनेगा. दिस इज कॉल्ड 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो. दिस इज कॉल्ड 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, क्योंकि आपका टारगेट ₹12 का है और रिस्क ₹6 की है. आप हर शेयर पे ₹6 का रिस्क ले रहे हो और ₹12 का टारगेट ले रहे हो. तो यहाँ पे अगर हिट हो गया तो आपका 16 × 6 = ₹96 जाएगा और ऊपर गया तो ₹192 मिलेगा आपको. क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? बेसिक कंसेप्ट है पर फिर भी पूछ रहा हूं एक बार. Anyone has doubt? कोई नया है? नए लोग जो है, बेसिक जो फ्रेश लोग है उनमें से किसी को डाउट है इसमें? अभय जी, सुनील जी, सर स्टॉप लॉस ऐप में कैसे लगाते हैं उसको? वो अभी सब्जेक्ट नहीं है ना सर. मैंने बोला ना आपको, मैं आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू भी सिखाऊंगा और ऑर्डर डालना भी सिखाऊंगा ना. ओके सर. वो थोड़ा ही मैं अभी जवाब दे सकता हूँ ना इसके अंदर. ठीक है. नहीं नहीं सर, मुझे पता नहीं था, सॉरी इसके लिए. नहीं, वो तो सिखाऊंगा ना मैं आपको, वो तो पूरा सिखाऊंगा नीरज जी, वो तो पूरा सिखाऊंगा. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिक पूछ रहा हूँ सिर्फ कि आपको ये 1% का कंसेप्ट समझा क्या? यस यस सर, ये समझा. थैंक यू सो मच. यस यस, ओआरबी एक्यूरेसी 70%. ओके ओके. बेसिक जब हम सीखेंगे ना सर, कल अभी मंडे को या ट्यूसडे को लेक्चर होगा. बेसिक जब सीखेंगे नीरज जी तो पहला बेसिक सीखेंगे कैंडलस्टिक, टाइम फ्रेम, उसके बाद में ऑर्डर कैसे डालना है. वो सीखने से पहले ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग सीखेंगे. बेसिकली इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर का बेसिक सीखेंगे एंड देन ऑर्डर डालने को भी दिखाऊंगा मैं आपको, नॉट टू वरी. ओके सर. अगर ₹6 का स्टॉप लॉस है तो ₹12 का टारगेट अगर कोई रखता है तो दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1. अगर कोई ₹18 का टारगेट रखता है, यानी ₹18 ऊपर 61 पे, सो 53 + 65 था ना, सॉरी पहले 65 होना चाहिए था, अभी 71. सो दिस विल बी 3:1.
और 77 विल बी लाइक 4-1 ओके टारगेट 24 रुपया हो जाएगा टारगेट 4-1 टारगेट 24 रुपया हो जाएगा. तो हम जब जर्नलिंग करेंगे आगे जाके तब यहाँ पे देखो अलग अलग इन्होंने यही ट्रेड किया दिवेश जी ने सपोज यही ट्रेड किया बट यहाँ पे वो 3-1 में अगर टारगेट होता तो क्या होता. अगर हम ये बाद में सीखेंगे थोड़ा 3:15 बजे तक मैं टारगेट छोड़ दूंगा ओपन तो क्या होगा ये सारा नोट कर रहे ये सारी चीज वो नोट कर रहे. इससे क्या होगा कि जब हम 30 या 40 ट्रेड करेंगे जब 30 या 40 ट्रेड करेंगे तब हमारे पास पूरा डेटा होगा कि कौन से विनर कब विनर लगते हैं कब लूजर लगते हैं ये सिस्टम किस तरह से पर्टिकुलर निफ्टी पॉजिटिव होता कैसे चलती है निगेटिव होता कैसे चलती है स्टॉप लॉस आपके कितने लगे टारगेट कितने हिट हुए. अगर आप 2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो से ट्रेड किए उसके बदले में 3-1 करते तो क्या होता. अगर आप 3:15 बजे तक छोड़ देते तो क्या होता. ये सारा डेटा कौन कलेक्ट करेगा ये हमें ही कलेक्ट करना है. बैंक निफ्टी सर ऑप्शन बाइंग में आने वाले हैं ना तब करेंगे ना ऑप्शन बाइंग में हम जाने वाले तब करेंगे ना आज ही जाने वाले हैं ना ऑप्शन बाइंग. ठीक है सो ये अलग अलग सिनारियो हम नोट करेंगे जिससे कि हम जब रिव्यू को बैठेंगे वी हैव टू टेक रिव्यू. तो जब रिव्यू को बैठेंगे तो हमें समझेगा कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है ये बेस्ट है. जैसे कि हमने सितंबर में कुछ लाइव ट्रेडिंग की थी आई विल शो यू एग्जांपल. सितंबर में कुछ लाइव ट्रेडिंग किया है मैंने बैंक निफ्टी में किया है. मैं आवाज बंद कर दूं बैंक निफ्टी में 1,60,000 पे ट्रेड किया है मैंने 1,60,000 पर मैंने एक लॉट से ट्रेड किया है 1625 यू कैन सी मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज 1625. ठीक है मैक्सिमम लॉस इज 1625 सो एक सिंगल लॉट से मैंने ट्रेड किया 1,60,000 कैपिटल पे यहाँ पे 5,000 रुपया बनाए या जो भी बनाए. पर यहाँ पे भी मैं अलग अलग सिनारियो नोट कर रहा हूं इफ यू कैन सी रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क 3-1 अलग अलग सिनारियो नोट कर रहा हूं. अलग अलग सिनारियो नोट कर रहा हूं और यहां पे भी अगर आप देखो 1 सितंबर से लगभग 1 अक्टूबर यहां पे भी लगातार 4 लूजर आया है बीच में लगातार 4 लूजर आया है. अगर आप अच्छे से देखोगे तो 1 तारीख की रात 1 सितंबर की रात से 21 सितंबर की सुबह 1 सितंबर की रात से 21 सितंबर की सुबह तक 8 ट्रेड हुए इसमें से सिर्फ 2 विनर है. और ये 6 लूजर है. If you understand this, 20 दिन के अंदर 1, 2, 3, 4, 6 लूजर है और 2 विनर है. पर मैंने छोड़ा नहीं ना सिस्टम इसके लिए मुझे प्रॉफिट मिला. जनरली कोई भी क्या करता है कोई भी नया ट्रेडर है तो एक तो वो पेशेंस नहीं दिखा पाता कि मैं 20 दिन में 8 ट्रेड ले लूं. उसको रोज ट्रेड लेना है पहली चीज. और दूसरी चीज वो जब ट्रेडिंग कर रहा है वो क्या करेगा कि अगर यहाँ पे वो लॉस होने लगा दूसरा या तीसरा तो वो क्वांटिटी बढ़ा देगा और फिर यहाँ पे क्वांटिटी घटा देगा और पूरा यहाँ पे कचरा कर देगा और यहाँ पे छोड़ देगा. ये प्रॉफिट लेने को वो बचेगा ही नहीं उसको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं. ये प्रॉब्लम हो जाता है. अभी दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ. यहाँ पे एक ट्रेडिंग सिस्टम है न्यूज बेस्ड इंट्राडे की. तो यहाँ पे 2-1 रिवॉर्ड टू रेशियो से 1.6% बन रहा है बट 2-1+9 ई एम ए से 30% बन रहा है. ये आपको सिखाऊंगा मैं पर 30% बन रहा है. सो
ये जर्नलिंग अगर मैं नहीं करता तो मुझे समझेगा ही नहीं ना कि ये सिस्टम में इतनी पावर है, ये सिस्टम में इतनी पावर है, कब समझेगा? जब मैं जर्नलिंग करूंगा। तो ये जर्नलिंग करना काफी जरूरी है। कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग के बिना ट्रेड नहीं करता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, क्योंकि उसके बना वो प्रॉफिटेबल बना ही नहीं, वो करने के बाद ही प्रॉफिटेबल बना है। तो ये सारी प्रीमिसिस है, ये सारा आपको करना पड़ेगा। कि जैसे मैं अभी आपको जैसे आपका बेसिक क्लियर होगा, तो मैंने ट्रेडिंग प्लान दिया हुआ है, मैंने इंट्राडे का भी ट्रेडिंग प्लान दिया है और स्विंग का भी दिया है, पोजिशनल का भी ट्रेडिंग प्लान दिया हुआ है, वापस दूंगा, मैं ग्रुप पे दिया हुआ है, वापस दूंगा और उसका उसको समझा भी दूंगा आपको। मैं ये हर वीक करते रहता हूँ, ठीक है, समझाते रहता हूँ हर वीक लगभग, ठीक है। नहीं, जर्नल आप एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक भी कर सकते हो, पर करना जरूरी है। मैं बोलूंगा एंड ऑफ द वीक तक मत रखो, डेली टू डेली बेसिस करो, दैट विल बी बेटर। एंड ऑफ द वीक तक मत रुको, डेली टू डेली बेसिस करो, दैट विल बी बेटर जर्नलिंग करने के लिए, ठीक है। नाउ मैं एक सवाल, ये तो मैंने एक बेसिस प्रीमिसिस बोल दिया जो हर एक के लिए, हर एक हर एक बंदे के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आप इक्विटी करोगे, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करोगे, ऑप्शन सेलिंग करोगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमेशा हमें 30 साइकिल का एक साइकिल करना है। वी हैव टू मेक साइकिल ऑफ 30 ट्रेड्स, 30 ट्रेड का साइकिल करना है। इसमें से कुछ सीखना है साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट के बारे में और टेक्निकल के बारे में, इंप्रूव करना है, वापस एक साइकिल, वापस एक साइकिल, ऐसे हमें आगे बढ़ना है। दिस इज द वे वी हैव टू गो अहेड, 30 30 ट्रेड का साइकिल करना है। इसका यहाँ पे रिव्यू होगा, फिर हम बेहतर करेंगे, रिव्यू होगा फिर बेहतर करेंगे। पर जब मैं 30 ट्रेड का आज भी साइकिल करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा रिवर्ट टू रिस्क मिनिमम 2:1 होता है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे अगले 20 ट्रेड्स लूजर है, और बाद के 20 विनर है, ये मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है। सो दैट आई एम वेरी कूल एंड काम, आई डोंट हैव एनी प्रेशर, कि मैं मुझे पता है कि मैंने आज एक्सपेंस कर दिया। एक्सपेंस और इनकम का कंसेप्ट आता है वहां पे, कि मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूं मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, और मुझे जो मिल रहा है वो इनकम है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में डेली लेवल पे प्रॉफिट लॉस नहीं होता, बिजनेस में डेली प्रॉफिट लॉस नहीं होता, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मंथली क्वार्टरली बनता है। तो मैं रोज जो ले रहा हूँ इनकम और एक्सपेंस ले रहा हूँ, तो मैं जनरली इस तरह का, आई विल शो यू, इस तरह का बेसिक, ये तो पूरा जर्नल नहीं, ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि इस तरह से आपको बोल देना है कि मैंने ये, जैसे मेरा ये आज 8 जुलाई है, तो 10,000 कैपिटल है। मैं मान रहा हूं कि 8 अगस्त को मेरा कैपिटल 8,000 होगा, ये 7,000 होगा। मैं ये 30 ट्रेड, अगले 30 ट्रेड ये एक्सपेंस करने को रेडी हूं, और इसके सामने इनकम कितना होगा देखूंगा मैं। पर अगर मैं ये एक्सपेंस करने को रेडी नहीं हूं तो मैं ट्रेडर नहीं बन सकता। अगर आपको ये 3,000 रुपये से प्रॉब्लम है, तो इसको आप 5,000 कर दो और इसको 1,500 कर दो, क्योंकि ये रोज 50 रुपये का रिस्क लोगे आप, फिर 50 50 का रिस्क लोगे, अदरवाइज यू कीप इट लाइक दिस। हाँ, मैं अनम्यूट करता हूँ, मैं अनम्यूट करता हूँ। आई विल टेक द क्वेश्चंस बिफोर गोइंग टुवर्ड्स ऑप्शन बाइंग। मैं एक बार क्वेश्चंस ले लूंगा, यहाँ पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछे भी थे, वो भी ले लूंगा मैं, और प्रोबेबली वो आई विल टेक दैट क्वेश्चन इन ऑप्शन बाइंग सेशन ओनली, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस टारगेट एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस के मतलब में समझाने क्या है। बट ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ। आपको अभी जब सीखा वो एप्लीकेबल है इक्विटी और ऑप्शन दोनों के लिए, तो उसके बारे में जिसको भी कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क। आई विल ट्राई टू अनम्यूट नाउ। हाँ अशोक जी बोलिए।
अलोक जी, अलोक जी, आई एम सॉरी, अलोक जी, हेलो, हाँ अलोक जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है ना सर, बोलिए ना सर। मैं कह रहा था आपने 1% का रूल समझाया, सब समझ में आ गया सर। मान लीजिए मैंने 2 ट्रेड लिए, ना वो स्टॉप लॉस लेके जा रहे ना टारगेट लेके जा रहे, तो कई बार हमारे ये हो जाता है ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ये नहीं चल रहे तो कुछ और कर लेते हैं, 2-4 स्टॉक और कर लेते हैं, ठीक है ना, आईओसी नहीं चल रहा तो बीपी सेल कर लेते हैं, ये चलेगी, तो उसकी भी कोई लिमिट है क्या सर? जैसे मतलब कि अपन इन प्लान में डालना पड़ेगा ना सर, एक सेकंड मैं ना फैन बंद करता हूँ, तो आवाज आ रहा है वैसे आपका, फिर भी दूसरे साथ बीच अगर और कोई है जिसका आवाज कम है तो नहीं आएगा, ऑन है, फैन बंद कर रहा हूँ इसके लिए वीडियो बंद किया। बेसिकली हम जो ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे ना, तो शुरुआत में मैं सजेस्ट करता हूँ कि फॉर फर्स्ट फ्यू डेज वी हैव टू स्टार्ट विद ट्रेड अ डे, और उसके बाद आप 2 ट्रेड तक जा सकते हो, 3rd ट्रेड थोड़ा सा कभी कभी स्पेशली अगर पहले 2 स्टॉप लॉस है तो मुश्किल हो जाता है, साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग हो जाता है, तो शुरुआत में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 1 ट्रेड ले लो एंड देन आप 2 ट्रेड लेना चालू करो दिन में एज ए इंट्राडे ट्रेडर। स्विंग में तो वैसे 1 या 2 ही होते हैं क्योंकि पैसा ही खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पे लिवरेज नहीं है, पर इंट्राडे में पहला 1 ट्रेड ले लो और बाद में साइमल्टेनियसली यू कैन हैव 2 ट्रेड्स, एंड वेरी रेयरली अगर आपको बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है दोपहर के बाद तो आगे जाके 2-3 महीने के बाद आप स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट टेकिंग 3rd ट्रेड, बट आई डोंट रिकमेंड, आई विल से कि वी शुड हैव अ ट्रेडिंग प्लान में लिखेंगे हम कि हम मैक्सिमम 2 ट्रेड लेंगे और दिन का हमारा लिमिट रहेगा 200, यानी मार्केट को 200 रुपए दे सकते हैं 100 और 100, सो दैट विल बी वेरी इजी, दैट विल बी बेटर। आगे जाके ट्रेडर इवॉल्व होता है क्योंकि आप कुछ ही महीनों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे इफ यू आर गोइंग टू बी सिस्टमैटिक, तो वो टाइम पे यू विल अंडरस्टैंड, मे बी आप एक स्कैल्पर बनोगे, नाउ स्कैल्पर कैन टेक अप टू 5 ट्रेड्स और 3 to 5 ट्रेड्स बिकॉज वो दिन भर स्क्रीन पे रहता है, तो ही विल टेक 3 to 5 ट्रेड्स, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आई विल टेक 1 or 2 ट्रेड्स। ओके आलोक जी, हेलो, यस सर, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, थैंक सर। ओके, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हेलो, हाँ राज जी। सर जो अपन टारगेट मिले थे तो अपन अपन ट्रेड का एग्जिट ना करा सकते क्या? हाँ ऑब्वियसली, इसी एक बार आपने ट्रेड ले लिया ना, पहली चीज है समझनी है ट्रेडिंग में कि एक बार आपने जब आप कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले हमें एग्जिट पता होना चाहिए, पहली चीज। ओके, कि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे एंट्री करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एग्जिट क्या है, 2-1 है। अभी पहले पहले जब हम शुरुआत में नए ट्रेडर है तो हमारा एग्जिट मार्केट के हिसाब से नहीं रहेगा, एक जनरलाइज रहेगा कि 2 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, मुझे 4 रुपए चाहिए, सो बहुत ही जनरलाइज रहेगा एट द स्टार्ट फर्स्ट साइकिल में। हाँ, अभी हम साइकोलॉजी और सब कुछ सीख रहे हैं तो हम 4 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 8 रुपए का टारगेट लेते हैं। सेकंड साइकिल में क्या होगा कि हम ये देखेंगे, ये देखना चालू करेंगे कि मार्केट कब घूम रहा है, अभी मार्केट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस से मार्केट घूम रहा है, कुछ हो रहा है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, पर वो सेकंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में कि अगर वो हमारे साइड जा रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस किस तरह से ऊपर ऊपर लेके जाना है, वो थर्ड स्टेज होगा। सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन योर करियर, धीरे 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 तो लेकिन कैसे आगे जाएंगे। 1:2 लगे, जैसे 2 रुपए स्टॉप लॉस में 4 रुपए का हम लोग रखेंगे टारगेट, कभी कभी 3 रुपए में आते हैं हम लोग उसका एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन? हाँ, वही है ना, वो क्यों होता है, इट इज कॉल्ड फियर ऑफ लूजिंग। तो वो होता है क्योंकि हम जो सिस्टम ट्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं या टेक्निक कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके ओके, इसलिए हम छोड़ देते हैं ना, हमें कॉन्फिडेंस अगर है तो क्यों छोड़ेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं इसके लिए छोड़ देते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कौन देगा, कैसे बनेगा? तो जब हम ये जर्नलिंग करेंगे, जब हम ये साइकल्स करना चालू करेंगे, जब जर्नल चालू करेंगे तो जर्नल में बेस्ट ट्रेड्स हम जब बाजू में करेंगे उसके फोटो देखेंगे, हमें समझेगा कि ये सिस्टम किस तरह से चलती है। ओके ओके, कॉन्फिडेंस क्या होता है, हमारी तो एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे आप एक नया, यहाँ पे तो 10,000 रुपया कैपिटल पे भी लोग छोड़ देते हैं ट्रेड, पहले 100 रुपए का ट्रेड भी छोड़ देते हैं, राइट, बट
सपोज आप एक आज एक सिंपल सा सिंपल छोटा सा दुकान चालू करना है रेंट पे, तो भी आपको पता है 2-3 लाख रुपए का खर्चा है, करेक्ट, वो जो करेक्ट. पागड़ी या डिपॉजिट, लाइटिंग, स्टाफ, दो तीन लाख रुपया कहीं पे भी नहीं गया, ठीक है. तो उसके बाद 3 लाख रुपए डालने के बाद हमने 4 दिन दुकान चलाया, 5वें 6वें दिन अगर कोई आया नहीं तो हम 7वें दिन थोड़ा ही बंद करेंगे. करेक्ट, वहां पे नहीं होता, बिकॉज यू यू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस बड़े होने को चलने को टाइम लगेगा. बट यहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ इतना आसान है, बटन दबाना, पैसा मिलना, कि वहां पे एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना पड़ता है. तो वहां पे क्या होता है कि हमें एक्सपेक्टेशन हर एक ट्रेड से होती है. हम सोचते हैं कि ये जो ट्रेड है वो पैसा देगा, बट द ट्रूथ इज कि ये सिस्टम पैसा देगी, और वो सिस्टम 50 ट्रेड पे पैसा देगी. सिंगल ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं है. ओके ओके, हाँ. तो वो जब हम धीरे धीरे, ये मैं बोलूंगा आप सुनोगे उससे नहीं, हम जब उसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी धीरे धीरे हम वो फिर उसको फियर निकल जाएगा और एक्सपेक्टेशन कम निकल जाएगी, तो आप छोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. करेक्ट है. जब तक 2:4 स्टॉप पे 4 रुपए जब तक नहीं होता तो ट्रेड छोड़ने का नहीं मतलब है ना, करेक्ट ना सर? नहीं नहीं वो एक बार ट्रेड ले लिया तो फिर वो 100 रुपया तो आपने पहले रिस्क, वही तो रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट आता है कि एक बार आपने ट्रेड ले लिया हाँ. तो आपने यहाँ पे एक्सपेंस कर दिया 100 रुपए का, अभी जो हाँ. होगा वो इनकम होगा, नहीं तो नहीं होगा. वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जीरो, आपने अगर एक्सपेंस कर दिया तो अभी इनकम जीरो होगा, उससे भी कुछ हो नहीं सकता उससे बुरा. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल कि आपने मार्केटिंग के लिए सुबह बाइक पे पेट्रोल डाला या आप मेट्रो में बैठ के निकल गए, तो अभी मैक्सिमम कुछ होगा कि आपका ऑर्डर फाइनल नहीं, उससे बुरा क्या होगा. रिस्क तो आपने वही टाइम ले लिया जो मोमेंट में आपने एंटर किया, रिस्क लिए बगैर आप एंटर ही नहीं कर सकते ट्रेड. इन शॉर्ट मतलब 2 रुपए का स्टॉप है तो 4 रुपए जब तक नहीं आता छोड़ने का नहीं है ना, करेक्ट है सर? नहीं नहीं, ऑर्डर लगा के छोड़ दो आप, आपको ऑर्डर लगा के देखने की जरूरत नहीं, देखना है तो देखो, बट देखेगा तो और टेंशन आता है, जरूरत नहीं है ना, देखेगा और टेंशन आ जाता है, करेक्ट. ओके ओके, थैंक यू. इसीलिए हमने 100 रुपए का रिस्क रखा है ना, सो दैट हम शुरुआत में वो प्रैक्टिस कर पाए. अगर वही 1000 रुपया है तो फिर ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल है. इसलिए 10,000 का कैपिटल रखा है. ठीक है सर, थैंक यू. मैं ऑप्शन के जितने भी ये है अभी दिखा दूंगा, एक 5-10 मिनट दे देना. मुकेश जी बोलिए. सर नमस्कार. अनम्यूट. हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि क्या होता है कि एक बार के लिए हमें 2-1. हेलो. हाँ बोलिए ना. हाँ सर, कई बार क्या होता है कि हमें 2:1 मिल जाता है टारगेट, उसके बाद हम अपना एज पर रूल हमने एग्जिट कर दिया. अब एग्जिट करने के बाद क्या हुआ कि हमें दोबारा लग रहा है कि अब हमारी एंट्री मतलब हमें अभी और प्रॉफिट इसमें मिल सकता है. सर जैसे कल ही फ्राइडे को हुआ, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें नीचे को मिल गया पुट साइड को, तो सर हमें क्या करना चाहिए? मतलब ये किस चीज का पार्ट है? वो ग्रीड आता है कि दोबारा री एंट्री ले ही लेता आदमी, मतलब एक ग्रीड में ले ही लेता था, उसको कैसे कंट्रोल करें सर? इसके लिए जर्नल है ना, मैंने आपको दिखाया ना कि जब आपके पास ये क्लियर कट आपके पास डेटा अगर है कि रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 से क्या बनता है, 3:1 से क्या बनता है, इसमें से कौन से सिनारियो में बेस्ट पैसा बनता है, इसमें से कौन से सिनारियो में मैक्सिमम पैसा बनता है, वो अगर आपको पहले से पता है देन यू विल ट्रेड दैट. आपको ये पता नहीं है ना, इसके लिए आपके मन में 10 सवाल आते हैं. आपको अगर पता है तो फिर आपके मन में सवाल नहीं आएगा. तो पता कैसे करोगे? आप ट्रेड करने के टाइम आप ये नोट करोगे, जब आपको पता है कि रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 + 9 AMA में 30% बनता है, तो फिर 2:1 पे आप छोड़ोगे नहीं. पर जब आप पहली साइकिल करोगे, दूसरी साइकिल करोगे, तब ये आपको डेटा बनाना पड़ेगा ना, तभी आपको समझेगा कि ये बेस्ट है. और अगर ये बेस्ट है तो फिर आप ये करोगे. okay, ये जब तक हम ट्रेड करके डेटा नहीं बनाएंगे ना, तब तो डेटा हमें बताएगा ना. जैसे आपने एक दुकान चालू किया, आप मेरे दुकान की बात करता हूँ, मेरे पास HP है, डेल है, लिनोवो है, एसर है, असूस है, 20 साल से दुकान चला रहा हूँ. तो जब मैं सालों साल दुकान चलाऊंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे दुकान में मैक्सिमम कौन सा प्रोडक्ट जाता है, मेरे दुकान में मैक्सिमम कौन से प्रोडक्ट के लिए मांग होती है, तो उसका स्टॉक ज्यादा रखूंगा मैं. तो वो कहाँ से आएगा? वो डेटा से आएगा. उसके लिए हमें ट्रेड करना पड़ेगा साइकिल. 10,000 में कुछ नहीं होने वाला. मैक्सिमम क्या होगा? 10 का 9 होगा या 11 होगा. बुरा तो इससे कुछ हो नहीं सकता. पर वो जो हमें सिखाएगा वो हमें एक दिन करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है. उसकी कैपेसिटी है ट्रेडिंग में. इसके लिए तो रात को
आठ बजे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना दो दो घंटे का, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू बिलीव इन दैट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, राइट? तो वो अगर कैपेसिटी को हमें पहुंचना है तो हमें खुद को प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका माइंडसेट है। टेक्निक तो सिर्फ पेन है, कविता तो अंदर से आएगी। प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, जैसे मैं बना बोलता हूँ कि मुझे जबरदस्त बॉडी बनानी है, अरे भाई पर तू रोज बर्गर खाएगा और सोएगा तो बॉडी कहाँ से बनेगी? तुझे जिम में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, रोज सुबह जाके उठ के भागना पड़ेगा। ठीक है तो सर, मैं बोलूंगा कि मैं कितना भागू, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर? अरे तुझे भाग के देखना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर क्या 100 मीटर भाग जाता है क्या? पहला देखना पड़ेगा। मैं समझा रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो हमें पहले एक छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली साइकिल ही है, पहली साइकिल है, पहली साइकिल हमें दूसरा साइकिल सिखाएगी, बहुत कुछ बताएगी, हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमें क्या अच्छा लगता है नहीं, ये सब लिख के निकालेंगे, वो सिस्टम के बारे में भी बताएगी। और फिर हम सेकंड साइकिल करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, और हम सिस्टमेटिक तरह से जाएंगे तो कुछ ही साइकिल में बहुत दूर पहुंच जाएंगे। ऐसे थैंक यू सर। और एक बार हमें पता है ना कि अगर ये 3-2-1 में मैक्सिमम पैसा बनता है, ये अगर अच्छे से कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप 3-2-1 पर रुकोगे क्यों नहीं? अभी क्या है, अभी पता नहीं है ना, हमें पता नहीं, इसके लिए हमारे मन में आता है कि इधर छोड़ दो, इधर रुक जाओ, फिर मन में आता है मैंने जल्दी छोड़ा, ऐसे हो जाए, सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो इसलिए वो मतलब बार बार ग्रीड आता है, क्योंकि कभी डर लगता है वापस रिट्रीट ना हो जाए। और डर तो लगेगा ना सर। अभी सपोज फॉर एग्जांपल आप और मैं गए जंगल में और ट्रेकिंग कर रहे हैं, और जंगल में हम दोनों घूम गए, हमारा मोबाइल का बैटरी भी खत्म, अभी तो डर तो आएगा ना, डर तो आए। बाकी लोग, हाँ बाकी लोग बंद रखो, क्या होता है डिस्टर्बेंस होता है, बाकी लोग बंद रखो। एक सेकंड, अभय जी आपका क्वेश्चन लेता हूँ, एक मिनट दे दो। तो अगर मैं और मुकेश जी जंगल चले गए और जंगल में हमारी बैटरी बंद हो गई, हम रास्ता खो गए, तो डर तो आएगा ना, बिकॉज हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे फैमिली का क्या आएगा, भालू आ जाएगा या सांप आ जाएगा या शेर आ जाएगा, तो अनसर्टेनिटी क्रिएट्स फियर। फियर कहाँ से आता है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कब आएगी? जब हमारे पास क्लियर कट रास्ता नहीं है। तो क्लियर कट रास्ता हमें बनाना पड़ेगा कि ये मेरा प्लान है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्लान दुनिया का बेस्ट प्लान है, बट ये प्लान मैं ट्रेड करके देखूंगा, इसमें जो कमियां है, खमी है, अच्छा ही है, उस पर काम करके और एक बेहतर बनाऊंगा, फिर बेहतर बनाऊंगा। तो इस तरह से हम जाएंगे तो बहुत जल्दी हमें समझेगा कि कहाँ छोड़ना है और कहाँ नहीं छोड़ना है, और कहाँ मैक्सिमम इनकम पोटेंशियल है। राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू। या ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर करो, उसके बाद मैं अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस बहुत आ जाता है। मैं ऑप्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ ले लूंगा, इक्विटी के और साइकोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक जन को अनम्यूट कर सकते, वही करने वाले, 2-4 दिन में वो चालू हो जाएगा, मुझे मुझे लगता है मंडे से कर लेंगे। यस यस यस, थैंक यू। अभी मैं तो ऑफिस में हूँ, लेकिन तब भी मैं अटेंड किया, टाइम निकाल के थोड़ा सा लंच में, तो मैं सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज मुकेश जी आपका हाथ पहले से ऊपर है क्या? अभी ऊपर हो गया, पता नहीं। ये सर पहले से ऊपर था, ये क्लोज हो गया है, हो गया मेरा क्वेश्चन सर। ओके सर, सो एनी क्वेश्चन? अदरवाइज अभी अब मैं ऑप्शन के लेक्चर ले रहा हूँ, ऑप्शन के, ऑप्शन बाइंग के रिगार्डिंग। हाँ मैं वो डाल दूंगा, मैं जर्नल ही डाल दूंगा, नॉट टू वरी। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर किसी ने ऑप्शन के बारे में कुछ पूछा था, मुझे लगता है पहले तो मुझे पूछा था ऑप्शन के बारे में, एक तो अम्बेकर जी ने कुछ तो पूछा है,
तो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ थोड़ा सा, गिव मी वन मिनट. रिस्क टू रिवॉर्ड 2-to-1 निफ्टी लॉट साइज. ठीक है मैं बात करता हूँ. वो तो 2-to-1 का मतलब वो तो स्पॉट पे रहेगा ना, 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट का रहेगा. एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट. मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में जा रहा हूँ. ठीक है, यस यू आर राइट. और एक क्वेश्चन था मैं ढूंढ रहा हूँ जो ऑप्शन पे था. बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस एंड टारगेट एग्जांपल कैपिटल 75,000 वैभव जी, स्ट्राइक प्राइस 240. वो नहीं समझा मुझे कुछ भी. बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस एंड टारगेट एग्जांपल कैपिटल 75,000. ठीक है, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस. मुझे वो समझा नहीं ऑप्शन का लड्डू. तो चलो ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं अभी. आई विल जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, जस्ट गिव मी वन मिनट ब्रेक, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यास लगी. एक सेकंड दीजिए मुझे एंड वी विल स्टार्ट अगेन. और जिनको इक्विटी, जिनको ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, उनको अगर रुकना है तो लेक्चर में रुक सकते हैं. अदरवाइज साइकोलॉजी इन जनरल जो कॉमन पार्ट था इक्विटी और ऑप्शन के बारे में, दैट इज ओवर. तो यहाँ जब हम ऑप्शन बाइंग में जाएंगे तो काफी बाउंसर आएंगे. मैं आपको ऑप्शन भी सिखाने वाला हूँ, ऑप्शन बाइटिंग राइटिंग सब सिखाने वाला हूँ. बट अभी आप अगर फ्रेशर हो, इक्विटी में हो, तो आपको वो सीखना नहीं है. तो आपको चाहिए तो आप लेक्चर में रुक सकते हो थोड़ा. अगर आपको ऑप्शन में, अगर आपको ऑप्शन बाइंग का भी लेक्चर सुनना है, उसमें भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजी उसके रिलेटेड आएगा. तो आपको अगर रुकना है तो रुक सकते हो, पर कुछ चीजें आपके नहीं समझेगी, बाउंसर जाएगी, तो उसको छोड़ देना है. इफ इट इज ओके देन ओनली यू कैन अटेंड, अदरवाइज यू माइट नॉट अटेंड. आई मीन आपके ऊपर है. ठीक है ना? सो मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ चीजें आपको नहीं समझेगी. आई विल टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड वी विल स्टार्ट इन वन मिनट. ओके, एक मिनट में वापस ऑप्शन बाइंग के लिए चालू करेंगे. ऑप्शन बाइंग एंड थोड़ा बहुत उसका रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी सब समझेंगे. यू वी जस्ट वन मिनट ब्रेक. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, आई एम बैक. वी आर टॉकिंग स्टार्टिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग की रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बाइंग की साइकोलॉजी और बहुत कुछ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करते हैं, उसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे. रिस्क टू रिवॉर्ड 1-to-10 नहीं रखना है, 1-to-2, 1-to-2.5 रखना है. उसके बाद में मार्केट बताएगा क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना है. एक्चुअली नए ट्रेडर्स बहुत बड़ी रिस्क रिवॉर्ड या बहुत बड़ी विनिंग परसेंटेज के पीछे जाते हैं. दैट नेवर वर्क्स, इट विल नेवर वर्क. उसको कोई लॉजिक नहीं होता. यू हैव टू बी, आपको 50% रिवॉर्ड टू, 50% विनिंग रेट 2-to-1 रिवॉर्ड टू रिस्क होगा तो भी आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है. यू डोंट नीड 1-to-10. ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं. कैपिटल के ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? 10% की रिस्क नहीं, 10% की रिस्क तो ले डूबेगा ना. कैपिटल के ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? एक मिनट, ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सचिन जी का. बिकॉज सचिन जी आप पूछ लो, कैपिटल के ऊपर 1% की रिस्क लेनी है सर, 10% की नहीं लेनी. तीन चार ट्रेड में, तीन चार स्टॉप लॉस में आपका कैपिटल आधा हो जाएगा. ठीक है ना?
1% की रिस्क लेनी है ऑन माय कैपिटल ना सर. हाँ ऑन माय कैपिटल. यस यस सर. ओके कैपिटल के ऊपर 10,000 है तो हम 100 रुपए की रिस्क लेते हैं ना. राइट राइट. थैंक यू सर. नाउ गोइंग टुवर्ड्स ऑप्शन बाइंग. तो ऑप्शन बाइंग के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ अभी शुरुआत से. आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रेडिंग सिस्टम्स फॉर ऑप्शन बाइंग. बट मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर कोई इक्विटी वाले अभी रुके भी है तो वॉट आई विल से ऑप्शन बाइंग के बारे में कि यू शुड फर्स्ट इन जनरल इक्विटी यू शुड लर्न इक्विटी. देन इंट्राडे हो स्विंग हो जो भी हो देन यू शुड गो टू ऑप्शन राइटिंग एंड देन यू शुड गो टू ऑप्शन बाइंग. आज के दिन में जो लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं जो सेबी का भी रिपोर्ट है 90% लोग डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में आ रहे 90% लोग. और ये जो नए लोग ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं इसमें से 100% लोग पैसा गंवा रहे. नए ऑप्शन बायर में 100% लोग पैसा गंवाते 99 भी नहीं 100% डायरेक्ट जो ऑप्शन बाइंग में आ रहे बिकॉज they don't understand कि option buying is the most difficult type of trading because वहां पे वक्त आपके खिलाफ है time आपके against है time आपका दुश्मन है. but उनका गलती नहीं है उनको इस तरह से picture create किया. yeah I understand सतीश जी. इस तरह से picture create किया गया है आज market में YouTube पे Facebook पे Telegram पे कि 10,000 रुपया लेके आओ 20,000 रुपया लेके आओ और फटाफट फटाफट 500,000 निकालते जाओ डबल करते जाओ अमीर बन रहे. और वो चक्कर में लोग काफी ज्यादा पैसा गंवाते हैं ऑप्शन बाइंग में. होता क्या है कि जब मैं एक नया ट्रेडर रहता हूँ मुझे कोई मेंटोर नहीं है पता नहीं है कुछ नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 5,000-10,000 से चालू करके देखूं कभी किया नहीं है मन में डर रहता है बचपन में सुना है शेयर मार्केट खराब है पैसा जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि 5-10,000 से ट्राई करूं. ठीक है अभी 5-10,000 में मैं सोचता हूँ कि रिलायंस का 2 आएगा HDFC का 2 आएगा खत्म कैपिटल खत्म हो जाएगा. 5,000 में रिलायंस और HDFC का 1-1 आएगा 10,000 में 2-2 आएगा इसमें क्या मिलेगा और उससे मुझे मेरा क्या होगा कुछ नहीं मिलेगा. तो उससे अच्छा फिर मेरा दोस्त कहता है कि 5,000 रुपया है ना तेरे पास तो 2 लॉट ले ले और 2 लॉट पे खेल 10,000 है तो 4 लॉट पे खेल. फिर ये खेल चालू हो जाता है और ये 10,000 का 2,000 हो जाता है फिर 1,000 हो जाता है फिर रिफिल करते हो फिर कम हो जाता है ऐसे करते करते लाखों का नुकसान हो जाता है. और एक पिक्चर क्रिएट किया मार्केट में आज ट्रेनर्स ने और यूट्यूबर्स ने कि ऑप्शन बाइंग इजी है. एक्चुअली ऑप्शन बाइंग इक्विटी में कैसे होता है कि अगर आपने 50 रुपए को कोई स्टॉक खरीदा और आपने 100 रुपए को कोई स्टॉक बेचा तो 50 रुपए हो गया आपका. मगर सपोज निफ्टी 18,000 पे है और शाम को 18,050 पे गया और आपने 18,000 का कॉल खरीदा है और पूरा दिन लगा के यहां पे गया तो आपका ये कॉल सपोज 70 रुपए का है तो ये कॉल 25 रुपए का हो जाता है आपका. सॉरी 45 into lot 2,250 रुपए का लॉस हो जाता है. सॉरी 2,250 रुपए का लॉस हो जाता है आधा कैपिटल चला जाता है. 5,000 का कैपिटल था आधा कैपिटल चला गया. ऑप्शन बाइंग में ये क्यों होता है क्योंकि टाइम डी के आपके अगेंस्ट है. ऑप्शन बाइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग बट लोग अनलकीली डायरेक्टली यहां पे आ जाते हैं और फंस जाते हैं.
इसका सिंपल रीजन मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे कि बचपन में हम क्रिकेट खेले तो पहले पहले कैसे होता था कि मेरे टीम ने 70 रन बनाए ऑल आउट होने तक बैटिंग, जिसका बैट उसको दो बार बैटिंग, ओके 70 रन बनाए मेरे टीम ने तो आपके टीम को ऑल आउट होने तक बैटिंग, 71 बनाए तो आप जीते। पर धीरे धीरे हमने देखा कि अभी जो भी क्रिकेट मैच होती है पिछले कई सालों से वो लिमिटेड ओवर की होती है कि मैं 8 ओवर में 40 बनाया तुझे 8 ओवर में 41 बनाना है, लिमिटेड ओवर की होती है, ऑल आउट होने तक नहीं होती। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा मुश्किल है इससे लिमिटेड ओवर। तो वैसे ही ऑप्शन एक लिमिटेड ओवर मैच होती है जो ऑब्वियसली ज्यादा मुश्किल है। आपको हमेशा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड मिलना चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर वो स्लो ट्रेंड पकड़ गई तो आपका पैसा जाता है। तो पहली चीज है ऑप्शन में रिस्क मैनेजमेंट। पहली चीज है रिस्क मैनेजमेंट। दूसरी चीज है कि कौन सा विच स्ट्राइक प्राइस। तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, आपको मिनिमम 200 पॉइंट इन द मनी ट्रेड करना है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, 200 पॉइंट इन द मनी ट्रेड करना है। 18,000 में है तो 17, यस सुपर फास्ट ट्रेंड, 18,000 है तो 17,800 लेना है, 42,000 है तो 41,700 या 41,800 लेना है बैंक निफ्टी, ठीक है। 200 पॉइंट इन द मनी, 200 पॉइंट इन द मनी लेना है ऑप्शन, या डायरेक्टली मैंने उसका आंसर दे दिया आपको। हाँ कभी कभार थर्सडे को, कभी कभार थर्सडे को यू कैन गो विथ एटीएम और वन स्ट्राइक आईटीएम, कभी कभार अगर आपको करना है तो। आई डोंट रिकमेंड लॉटरी वाला हीरो टू जीरो, जिसको लोग जीरो टू हीरो बोलते हैं वो हीरो टू जीरो हो जाता है, बट ये वेरी रेयरली यू कैन डू, बट जनरली दिस शुड बी द स्ट्राइक प्राइस यू शुड बी यूजिंग। अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट अंदर, क्योंकि वहां पे आपका डीके कम होगा ना, वहां पे डेल्टा बढ़ेगा डीके कम होगा ना। दूसरा चीज, अगर आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो निफ्टी पे, तो 2500 रुपया जा रहा है आपका, तो आपके पास 2.5 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अगर आप निफ्टी पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपके पास 50,000 रुपए का कैपिटल होना चाहिए। ये सिंपल 1% का रूल है। तो 5,000 रुपए पे तो आप कर ही नहीं सकते, 10,000 रुपए पे आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, करना ही नहीं चाहिए, कर सकते हो करना नहीं चाहिए। 50,000 रुपए पे एक लॉट पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पैसा ऐसे जाते रहेगा, ये समझ लेना। अभी बिफोर गोइंग टू ट्रेडिंग सिस्टम आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्क्ड रिगार्डिंग निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। सो मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आई विल ट्राई टू चेक एक बार। तो अंबेकर जी ने पूछा था जो रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 निफ्टी लॉट साइज, ये कुछ समझा नहीं मुझे इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहां पे निफ्टी ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मुझे मेरा पहला पता होना चाहिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हाँ ऑप्शन सेलिंग ही करो ना, फिर ऑप्शन बाइंग अगर 5-10 हजार में करोगे तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। हाँ वैभव जी आपका सवाल मुझे समझना था तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। वैभव जी अनम्यूट कीजिए। हेलो बोलिए ना भाई। हाँ
मेरा सवाल था कि अगर 75,000 कैपिटल रहेगा, 75,000 कैपिटल होगी, गॉट इट. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक मैक्सिमम मेरे हिसाब से 750 या 1,000 रुपए का रिस्क. सो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे? बैंक निफ्टी. सॉरी, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं समझा मुझे. बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में. अभी तो 15 का लॉट हो गया, तो 60 पॉइंट यू हैव 70 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस आप रख कर सकते हो. ओके, और लॉट कितने आएंगे, मतलब लॉट कितना लेना पड़ेगा मुझे, मतलब एक लॉट? ओके, एक ही लॉट. ओके, एक लॉट के लिए 70 पॉइंट. ओके, 70 भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर ठीक है, मैक्सिमम पकड़ा. 70 into आप पैसा कितना गवाओगे देखना है पहले. 70 into 15, सो आप 1,050 रुपया गवा रहे हो. ओके, और आपके पास 75,000 है, राइट? सो यू आर अप्रोक्सीमेटली 1.5% की रिस्क ले रहे हो. ओके, ओके, ओके. और समझे, अगर मैंने मोर एक्चुअली इसके लिए आपको 50 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट का, पर वो 50 पॉइंट कौन सा, स्पॉट का नहीं, आपके आप जो ले, जैसे अभी बैंक निफ्टी का परसों का ट्रेड मेरा, जो मैंने 6 तारीख का विनर स्कोर किया था, मैंने अभी आपको फोटो भी भेजा. 6 तारीख को मैंने बॉटम पे लिया है, यहाँ पे वीडियो भी डाला है मैंने सुबह, और मैंने पूरा दिन उसको खाया. तो यहाँ पे सपोज आप ऑप्शन बाय का, या आपको 45,000 है ना, तो आप 44,800 का खरीदोगे, 44,800 का खरीदोगे, राइट? गुरुवार है तो ठीक है, अदरवाइज 44,800 का खरीदोगे. तो इसका जो डेल्टा होगा, इसका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0.35 होगा. यानी 0.35 का मतलब अगर 10 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे आया, तो वो 7 पॉइंट नीचे आएगा. ओके, ये आप 45,000 है ना, तो आप 44,800 का कॉल खरीदोगे ना लॉन्ग जाने के लिए, बराबर है? कॉल बाय करोगे, तो इसका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0.35 होगा. इसका मतलब 10 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे आया, तो आपका 7 पॉइंट नीचे आएगा आपका. तो आपके पास अभी ये 60 पॉइंट है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी का एक 100 पॉइंट तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो. 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो बैंक निफ्टी का. ओके, स्पॉट का, स्पॉट का, ओके. इंडेक्स में पॉइंट काउंट करना है ना, स्ट्राइक प्राइस पे? तो उतना ही होल्ड कर सकते हो आप. ओके, मैक्सिमम नीचे का बोल रहा हूँ, या तो ऊपर अगर कहीं रुक गया तो आपको छोड़ना ही है. ज्यादा देर अगर रुक गया तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको. ओके, ऑप्शन बाइंग पे आपको क्विक मूवमेंट चाहिए ना, नहीं तो फिर मुश्किल है. स्कैल्प ही करना पड़ेगा, क्विक मूवमेंट. सर एक एक टाइम में ये 200-300-500 पॉइंट नीचे आता, तो फिर उस टाइम में क्या किया जाएगा? नहीं, उतना थोड़ा ही रुकना है आपको. तो आपके पास 700 रुपया ही है ना, आपके पास 800 रुपया ही है ना. अगर आप 700 रुपया माइनस हो गए, तो आपको छोड़ना है ना उसको. आपके पास कैपिटल 75,000 का है, तो आपको 800-900 रुपया लॉस हो रहा है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना. ठीक है सर, 1% की रिस्क से अगर ट्रेड कर रहे हो, 75,000 कैपिटल है, तो 800-900 रुपया माइनस हो गया, तो हमें छोड़ना पड़ेगा. हेलो, डाउट है? और सर स्टॉप लॉस पहले से ही सेट अप कुछ डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, या हाथ ऊपर करो एक बार वापस, क्योंकि हाथ नीचे नहीं करते कोई. हाथ ऊपर करो वापस, मैं अनम्यूट करता हूं अगर कुछ है. सर, टॉप लॉस फिक्स करना है, ये स्टॉप लॉस. हाँ नीलेश जी, मैं आपका लेता हूँ क्वेश्चन, आलोक जी आपका भी लेता हूँ क्वेश्चन. स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा, मैं अभी सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ. स्टॉप लॉस तो अभी मैं ट्रेडिंग सिस्टम सिखाऊंगा आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी पे ऑप्शन बाइंग सिखाऊंगा. स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस जो भी रहेगा वो तो फिक्स ही रहेगा ना, अभी यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे ब्रेक हो गया आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 700-800 पॉइंट 700-800 रुपया ही है, 80-70-80 पॉइंट ही है। हाँ अलोक जी बोलिए, एक मिनट। हाँ अलोक जी बोलिए, बाकी लोग बंद रखिए। अलोक जी बोलिए। अलोक जी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ अलोक जी आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है सर। 45,000 बैंक निफ्टी है। ओके। मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ सर। ओके। तो अगर मान लो मेरे पास टाइम फ्रेम अगले थर्सडे का है, तो सर ये कहीं से कोई फॉर्मूला या कोई ऐसा इंडिकेटर है क्या कि कितना 45,200 जाएगा तो अपनी कॉल प्राइस कितनी बढ़ेगी? 45,000 का कभी है, इसके ऊपर है ना आपका कभी, यानी आपको एक्सपायरी का, एक्सपायरी तो एक्सपायरी का चाहिए 45,000 का। आप कॉल लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अभी 45,000 पे अभी है, रेशियो में बढ़ेगी, मतलब जैसे मेरे पास ये होगी अगर ये 45,300 जाएगा तो मेरी कॉल इतने रुपए की हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हो ना, डेल्टा के ऊपर से अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो आप, या अच्छा, आपके जो सॉफ्टवेयर है हमारे जो ऑब्स्ट्रा वगैरह सॉफ्टवेयर है उसमें दिए हुए नीचे ऑप्शन, आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि वो एग्जैक्टली कब वहां पे पहुंचोगी और वो टाइम पे विक्स कितना रहेगा, वो टाइम पे वोलेटिलिटी क्या रहेगी, वो सब, और डेल्टा भी चेंज होते जाएगा ना, जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा वो डेल्टा चेंज होते जाएगा ना, डेल्टा चेंज होगा, गामा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली कब किसी को नहीं पता, क्योंकि वो टाइम पे कितना वोलेटिलिटी है पता नहीं है ना, और वो एग्जैक्टली कब पहुंचेगा पता नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन हैव सम आइडिया, नॉट एग्जैक्ट। ओके। हाँ एटीआर यूज कर सकते हैं सचिन जी, एटीआर यूज कर सकते हैं। 20 पॉइंट का अगर आपके पास राम जी सिस्टम है तो 20 पॉइंट का क्यों नहीं, अगर है सिस्टम तो आप कर सकते हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है आलोक जी। हेलो सर। तो भी आप एक बार ऑप्स्ट्रा में देख लो, ऑप्स्ट्रा में कुछ ऑप्शंस है जिसमें आप फ्यूचर का थोड़ा सा टेस्टिंग कर सकते हो कि यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, ऑप्स्ट्रा में ऑप्शन है। ओके सर। हेलो सर, यह नीलेश है। बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो ईएमए जो है वो क्या लेना है, मतलब 200 कुछ लेना है ना, मतलब उसके लिए या मतलब जैसे इक्विटी में 10-20 ले सकते हैं, वैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या है, मतलब ईएमए जो हम ये करते हैं इंडिकेटर? नहीं नहीं वो ट्रेडिंग सिस्टम अभी तक मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया ना, मैं अभी ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करूंगा। ओके ओके ठीक। 10-20 का जो हमारा इक्विटी का सिस्टम है वो ट्रेड यूज कर ही सकते है अगर वैसा है तो, अगर वैसी उस तरह की मार्केट अगर है तो यूज कर सकते है। 10-20 के ऊपर अगर स्ट्रांगली 1 आवर में ट्रेंडिंग है तो आप जो ट्रेड करते हो इक्विटी में वही ट्रेड आप ले सकते हो। okay. वो ट्रेड अगर मिला तो, और नहीं तो फिर हम यूज करके ट्रेडिंग करते हैं ना। ओके okay, सर 50,000 में 2 लॉट लेना मतलब गलत होगा ना? ओके okay. और आई विल जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन एंड वी विल गो टू द ट्रेडिंग सिस्टम। सो वैभव जी कुछ पूछ रहे थे आप या पहले से आप ऊपर है? नहीं सर। हेलो कुछ पूछ रहे हैं? हाँ यस यस। हेलो। हाँ हेलो सर, 50,000 में 2 लॉट लेना गलत होगा ना बैंक निफ्टी का? नहीं नहीं 2 लॉट का मतलब सवाल नहीं है, 1 लॉट पे आप मैक्सिमम कितना पैसा गवाते हो इनटू 2 कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा ना। ओके ओके, मतलब 1 लॉट पे कितना स्टॉप लॉस कितना बड़ा है वो देखना पड़ेगा ना, स्टॉप लॉस कितना है वो इम्पोर्टेंट है। ओके अगर मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं 4 भी लॉट ले लूं, पर अगर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1 ही लॉट ले सकता हूं ऐसे। ओके 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 ओके
अंडरस्टैंड स्टॉप लॉस के ऊपर है ना, जैसे इक्विटी में क्वांटिटी, इक्विटी में आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो क्वांटिटी घट जाती है, नजदीक स्टॉप लॉस रहेगा तो क्वांटिटी बढ़ती है, सेम वे। ओके सो चलो ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग सिस्टम की जब बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की, तो पहले समझना है कि जनरली हमें 200 पॉइंट इन द मनी बाय करना है। दूसरा समझना है कि हम जो ऑप्शन सेलिंग के लिए जो कल दोपहर को बात करेंगे, ऑप्शन बाइंग के लिए सिमिलरी सिस्टम रहेगी, मे बी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ज्यादा बात ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। निफ्टी में हम जैसे हमेशा करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, वी विल हैव अ व्यू, हम एक व्यू बनाएंगे कि इस समय हमारा व्यू क्या है। जैसे कि वो दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे रिवर्सल लिया था 28 तारीख को शायद, राइट 30 तारीख को, सॉरी 28 तारीख को, करेक्ट आई एम करेक्ट, 28 तारीख को खत्म हुआ था, हाँ 29 को छुट्टी 30 तारीख, तो यहाँ पे रिवर्सल लिया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है ऑप्शन बाइंग के लिए, आपके पास एक पोजिशनल व्यू होना चाहिए, पोजिशनल व्यू बेस्ड ऑन 1 आवर, सो यू शुड हैव अ पोजिशनल व्यू एंड यू शुड सी कि आज जो मार्केट चालू हुआ है वो ऊपर है या नीचे है, वो कल के क्लोजिंग के ऊपर है या नीचे है। अगर ये कल के क्लोजिंग के ऊपर है, कल के क्लोजिंग के ऊपर है, तो देन यू कैन गो लॉन्ग ना ब्रेकआउट पे या रिवर्सल पे। अगर अरे कल के क्लोजिंग के नीचे है तो फिर वी डोंट टेक दैट ट्रेड। मुझे बेसिकली आपका रूल क्या है, हमारा रूल क्या है कि आई विल टेल यू हियर, अगर पोजिशनल व्यू पॉजिटिव है, लॉन्ग है, एंड डेली या प्राइस इज अबव यस्टरडे क्लोज, देन वी कैन ट्रेड विथ फुल क्वांटिटी। अगर आपके पास अभी एक ही लॉट के लिए पैसा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक ही लॉट पे करोगे। ये उनके लिए जिनके पास दो लॉट बैठते हैं उनके रिस्क मैनेजमेंट में उतना कैपिटल है, तो यू विल गो विथ टू लॉट। और वैसे ही अगर उल्टा होगा कि पोजिशनल व्यू इज निगेटिव एंड यस्टरडे प्राइस इज बिलो, देन यू विल गो विथ टू लॉट। यानी दोनों अगर दोनों व्यू अगर मैच होते हैं देन यू विल गो विथ टू लॉट, एंड इफ एनी ऑफ वन व्यू, अगर एक दोनों में से कोई भी एक व्यू मैच नहीं होता है, ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है ये लॉन्ग है, तो यू विल गो विथ वन लॉट। तो ये पहले आपकी रिस्क मैनेजमेंट की बात हो गई, फर्स्ट थिंग रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी। सेकंड वे यू कैन ट्रेड, एक तो सिस्टम जो हम रोज ट्रेड करते हैं, जो मैं आपको रोज बोलता हूँ क्रेडिट स्प्रेड के लिए, वही है कि अगर आपको ब्रेकआउट या रिवर्सल आ रहा है जो इक्विटी में भी करते हैं हम, तो वो ट्रेड करना है। दूसरा है कि आपको कल के क्लोज के नीचे अगर कोई इवनिंग स्टार या कोई इस तरह का शूटिंग स्टार मिल रहे हैं, एक रेजिस्टेंस भी है ना, ये इस तरह का शूटिंग स्टार मिल रहा है या इस तरह का हैंगिंग मैन मिल रहा है, तो यू कैन शॉर्ट और सेल साइड ज्यादा चलेगा। और अगर आप लॉन्ग साइड, अगर ये आपको इस तरह का अगर हैमर मिल रहा है, इस तरह का हैमर मिल रहा है, ये भी हैमर है, तो यू कैन गो लॉन्ग। सो बेसिकली एक सिस्टम ये रहेगी कि कल के क्लोज के ऊपर आपको अगर हैमर मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए मार्केट, उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा तो और अच्छा है, अगर हैमर मिल रहा है तो यू शुड गो लॉन्ग। और अगर कल के क्लोज के नीचे अगर आपको शूटिंग स्टार मिल रहा है या हैंगिंग मैन मिल रहा है, तो यू कैन गो शॉर्ट। दैट इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग, सिंपल इंट्राडे ट्रेड। आपको अगर ये
ये तो आपका क्लोजिंग बेसिस पे हो गया। अगर आपको पोजिशनल व्यू भी लॉन्ग के लिए है तो यहाँ पे दो लॉट पे कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक लॉट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? दोनों व्यू अगर मैच हो रहे हैं तो दो लॉट कर सकते हो, अदरवाइज एक लॉट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों व्यू मैच हो रहे हैं तो दो लॉट करना पड़ेगा या तो फिर एक लॉट करना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई शूटिंग स्टार बन रहा है या इस तरह का हैमर बन रहा है तो आपको लॉन्ग जा सकते हो इसके टॉप के ऊपर या इसको शॉर्ट कर सकते हो आप। और ये अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बन रहा है तो और अच्छी बात है। जैसे कि ये एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है ना, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो ये ब्रेक करके आ रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। हियर यू कैन शॉर्ट। क्लियर है? कुछ यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, देखो यहाँ पे एक, अभी यहाँ पे मार्केट चालू हुआ, ये दिन है 6 तारीख ना, 6 जुलाई, तो मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, दिस इज अबव क्लोज, ये क्लोज के अबव है और यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है और ये हैमर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो, यू कैन गो लॉन्ग हियर। कुछ डाउट है तो पूछिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सिस्टम, आपको कल के क्लोज के ऊपर अगर हैमर बन रहा है या इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है स्ट्रांग, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, और उल्टा है तो शॉर्ट जा सकते हो। मेन, सबसे मेन जरूरी बात है ऑप्शन में कि आपको कब छोड़ना है, तो आपको तब छोड़ना है, वो मैं बताऊंगा, आपको तब छोड़ना है जब आपका ये 9 AM है, 9 AM के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको छोड़ना है, नेक्स्ट कैंडल पे यानी यहां छोड़ोगे आप। कब छोड़ना है, आप तो ट्रेड तो ले लोगे बट कब छोड़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, 10-11 के बाद भी ले सकते हैं, सिर्फ अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास अगर बन रहा है तो दैट इज बेटर, रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास बन रहा है तो दैट इज बेटर। बट सबसे जरूरी बात ये समझना है ऑप्शन बाइंग में कि कब छोड़ना है, प्रॉफिट कब छोड़ना है। तो अगर आप एक बार ट्रेड में आ गए तो जैसे ही कोई कैंडल 9 AM के ऊपर क्लोज होके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनता है, 9 AM के ऊपर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओगे। वैसे भी ये देखो ना, फ्लैट हो गया ना, 9 AM फ्लैट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी खत्म हो गया ट्रेड। 5 मिनट पे हो ना, अभी तो 5 मिनट पे है हम, 1 मिनट पे जाके भी टाइम कर सकते हो आप, पर अभी 5 मिनट पे दिखा रहा हूं मैं आपको, 5 मिनट पे दिखा रहा हूं आपको, हम निफ्टी में भी देख सकते हैं, लॉन्ग वाले ट्रेड भी देख सकते हैं। लॉन्ग वाला ट्रेड आपने ये देखो, ऊपर हैमर बना, हैमर जैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रांग कैंडल बना, आपने खरीद लिया, ऑप्शन बायर को खरीद लेना है, ऑप्शन बायर को खरीद लेना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, थोड़ा ऊपर है, बट ये ऊपर हैमर बन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है स्ट्रांग, यहाँ पे खरीद लेना है और यहाँ पे आपको बेचना पड़ेगा, यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पे खरीदोगे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, आप समझोगे कि यहाँ पे ही छोड़ना है, ये धीरे धीरे समझेगा, आप जो नितिन सर बोल रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे ही आपको आइडिया आ जाएगा, 1 मिनट पे यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपको बाद में आप वो एक्यूरेट और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, यू आर राइट। पर अभी शुरुआत में मैं जब ट्रेडिंग सिस्टम बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट 5 मिनट ओनली, आगे जाके आप जल्दी एग्जिट कर सकते हो, 1 मिनट यूज करके यू कैन अर्ली एग्जिट हियर, यहीं पे टॉप पे एग्जिट कर लोगे आगे जाके 1 मिनट यूज करके, यू आर राइट। इवनिंग स्टार कहाँ पे दिख रहा है? ओ, ऊपर, हाँ राइट, इवनिंग स्टार भी रहेगा ना, तो छोड़ देना है ना उधर, यहाँ पे ना, यहाँ पे बोल रहे हो ना आप इवनिंग स्टार, यहाँ पे बोल रहे हो इवनिंग स्टार, टॉप ला हाँ, तीन कैंडल है ना, रेड है, खाली रेड है पर ग्रीन है,
हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा है ट्रेंड, आपको दिख रहा है ना, तो यू कैन अभी कैसे है कि अगर आप कोई भी सिस्टम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ 30-40 ट्रेड करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये ट्रेंड वीक हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम रोज नया सिस्टम ट्राई करेंगे, हम नया इंस्ट्रूमेंट ट्राई करेंगे ऑप्शन के साथ, ऑप्शन पे निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम छोटे से क्वांटिटी के साथ 30-40 दिन ट्रेड करेंगे ना, तो हमें पूरी आइडिया आ जाती है कि कब निकलना है बाहर, क्या निकलना है। जैसे नितिन जी बोल रहे हैं आप यहाँ तक नहीं रुकोगे, एक्चुअली आप यहीं पे बाहर आ जाओगे, बिकॉज यू नो कि स्ट्रेंथ जो थी वो खत्म हो गई, ये बाय एक्सपीरियंस समझ में आ जाता है। बट फिर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वापस बाय करेंगे, वहां पे करेंगे, कंपल्सिव ट्रेडिंग करते हैं। हमें स्ट्रांग ट्रेंड चाहिए, हमें बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड चाहिए, बहुत ही क्विक ट्रेंड चाहिए। ठीक है ना, हमें बहुत ही क्विक ट्रेंड चाहिए। तो एक सम स्ट्राइक प्राइजेस बिहेव डिफरेंटली देन चार्ट, स्ट्राइक प्राइजेस, हर एक स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल और पुट होती है उसका एक अलग ऑप्शन, ऑप्शन सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, उसके वोलेटिलिटी कितनी है, बहुत कुछ होता है ना, डेल्टा गामा थीटा, तो वो तो होगा, वो तो होगा। अभी कल का जो मेरा निफ्टी का ट्रेड था, छोटा सा ट्रेड सुबह का, बहुत छोटा ट्रेड था, यहाँ पे भी ऑप्शन बाइंग होगी ना, यू कैन बाय हियर, यू कैन बाय हियर एंड यू कैन सेल अराउंड दिस, यू कैन सेल अराउंड दिस, यू अंडरस्टैंड दिस कैंडल देन यू विल सेल दिस ऑफ, सो यहाँ पे भी ऑप्शन बाइंग होगी। सेलर्स होल्ड एट सर, सुनील जी सेलर्स उसको डिफेंड करते हैं प्राइस को, इसके लिए होता है। So, एक ये सिस्टम हो गई, एक ये सिस्टम हो गई। दूसरी सिस्टम ऑप्शन बाइंग में मैंने बताया है कि अगर मार्केट स्ट्रांगली अपट्रेंडिंग है, अगर मार्केट स्ट्रांगली अपट्रेंडिंग है, एक मिनट आवाज बंद, अगर मार्केट स्ट्रांगली अपट्रेंडिंग है और कभी आपको थोड़ा सा नीचे मिल गया, यानी गैप डाउन मिल गया, तो एक जबरदस्त बाइंग आएगी। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक गैप डाउन मिल गया तो एक जबरदस्त बाइंग आ सकती है, और अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक गैप अप मिल गया तो एक जबरदस्त सेलिंग आ सकती है। परसों वही हुआ है, परसों एग्जैक्टली वही हुआ है, परसों के दिन तक ये मार्केट जबरदस्त ट्रेंडिंग था, राइट, ये परसों के दिन तक ये मार्केट जबरदस्त ट्रेंडिंग था और हमें एक गैप डाउन मिला तो इमीडिएटली वो बाय हो गया, गैप डाउन बाय हो गया, राइट। और ये जो लोग हैं, ये जो गैप डाउन करने वाले लोग हैं, मैं वही बता रहा था ना सुबह, ये बहुत ही क्लियर कट था, हाँ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कैंडल, हर एक के ट्रेडिंग व्यू का डिफरेंट है, जीरोधा का डिफरेंट है। सो यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो मेरी समझ में आ गया कि सेलर्स है मार्केट में, और वो सेलर्स अच्छी जगह मिलेगी तो वापस आएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया क्लोज के पास, ठीक है ना। तो आपको ये सब कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि मार्केट सेलर चला रहे, बायर चला रहे, क्या हो रहा है। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो जो लोगों ने ये मिस किया रैली वो लोगों ने यहाँ पे बाय किया, बट यहाँ आने के बाद सेलर्स ने कंट्रोल लिया और पूरा दिन भर बेचा है उसको, सो दैट हैपन्स। ओके, सो मैंने दो चीज बताई अभी आपको, एक है कल के क्लोज के अगर ऊपर हैमर बनता है तो खरीदना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ होगा तो बहुत अच्छा है, और कल के क्लोज के नीचे अगर शूटिंग स्टार बनता है तो बेचना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ होगा तो बहुत अच्छा है। 9 AM यूज करके उसको छोड़ देना है, 9 AM के ऊपर जाएगा छोड़ देना है, 9 AM के नीचे आएगा छोड़ देना है। दूसरी चीज, अगर अप ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड है और आपको बड़ा गैप डाउन मिलेगा तो लेना है, पहली कैंडल अगर स्ट्रांग है तो, ग्रीन है तो, और डाउन ट्रेंड है और पहली कैंडल गैप अप होता है और पहली कैंडल रेड कैंडल बन रही है तो आपको उसको बेचना है। ये दो सिस्टम हो गई यहाँ पे, ये दो सिस्टम हो गई, पहली हैमर वाली, दूसरी गैप अप गैप डाउन वाली।
तीसरी सिस्टम ट्रेंड फॉलोइंग, जो हम रोज करते हैं इक्विटी में, रोज जो इक्विटी में करते हैं वही निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो, अगर ट्रेंडिंग है तो, आई विल रिपीट, अगर ट्रेंडिंग है तो। बस ये तीन सिस्टम याद रखना, उसके सिवा कोई चौथी सिस्टम की जरूरत नहीं है। चौथा तुम है जो रोज करता हूं वो कर सकते हो आप, कि एक व्यू बना के ट्रेडिंग कर सकते हो, व्यू बना के ट्रेडिंग कर सकते हो, जो मैं करता हूं कि व्यू बनाते हैं और फिर दिस इज व्हाट वी डू ना डेली, दिस इज व्हाट वी डू डेली, सिर्फ व्यू बना के करते। तो पहली सिस्टम क्या है, अगेन आई विल रिपीट, जैसे कामड़े जी ने पूछा, पहली सिस्टम क्या है कि अगर कल का क्लोज है निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर अगर कोई हैमर बन रहा है और वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है, पास हाई के ऊपर या कोई इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमें लॉन्ग करना है और जब तक 9 EMA के ऊपर प्राइस बची है तब तक रखना है, उसके बाद में छोड़ देना है 9 EMA के नीचे क्लोज देगा तो। और अगर नीचे शूटिंग स्टार बन रहा है और कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट के नीचे बन रहा है तो इसको सेल कर देना है, और 9 EMA के नीचे अगर जब तक ऊपर नहीं आता तब तक उसको पकड़ना है। इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ डाउट है, हैमर और हैंगिंग मैन, ओके, ये एक सिस्टम हो गई, मैं इसका ट्रेडिंग प्लान भी बना के दूंगा, डोंट वरी। दूसरी है गैप अप गैप डाउन, इसका मतलब मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है और किसी कारण एक आपको एक गैप डाउन मिल गया, और गैप डाउन मिलने के बाद एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनी पहली, तो सेकंड ग्रीन कैंडल पे आप, सेकंड ग्रीन कैंडल चालू हो गई, ग्रीन दिख रही है, तो यू कैन एंटर एंड यू कैन, आप ये क्लोज, कल का जो क्लोज रहेगा, ये क्लोज के नीचे है ना, कल के क्लोज तक यू कैन कैरी। आई विल रिपीट दीपाली जी, कल के क्लोज तक आप कैरी कर सकते हो, कल के क्लोज के नीचे है ना गैप डाउन, ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या, पहले बताओ, वो सिस्टम वापस बताऊंगा, ये क्लियर है। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, मार्केट अगर नहीं, वो सिस्टम पे अभी जाएंगे, पहले अभी ये देख लो, अभी बिलो क्लोज होता है तो भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है वहां पे, अगर ऊपर 2 लॉट ले रहे हो नीचे 1 लॉट लेना है, पर अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 1 लॉट के साथ ले रहे हो, इसके लिए मैं सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूं। नीचे हैमर अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है तो आप 1 लॉट से ले सकते हो, यानी जनरली आप अगर 4 लॉट यूज करते हो हमेशा तो 1 लॉट से ले सकते हो, बट वो रिस्की ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा, शुरुआत में 1 लॉट से आप ऊपर और नीचे अच्छा रहेगा। अगर मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है और गैप डाउन होता है तो ये पहली ग्रीन कैंडल अगर स्ट्रांग बनती है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ले सकते हो क्लोज तक, या आप 9 EMA भी यूज कर सकते हो, तब तक आप ट्रेंड में रहोगे, ठीक है। और अगर 1 आवर में मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अचानक आपको गैप अप मिल गया क्लोज के ऊपर और पहली कैंडल अगर रेड है तो नेक्स्ट रेड कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट खरीद सकते हो क्लोज तक, आइदर क्लोज तक या 9 EMA के ऊपर आने तक, या 9 EMA के ऊपर आने तक। आई विल कम टू दैट। ये शॉर्ट ही कर रहे हैं ना, ये शॉर्ट ही हो गया ना, पुट खरीद रहे हो ना, यहाँ पे पुट ही खरीद रहे हो ना, ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे पुट खरीद रहे हैं ना, गैप अप बड़ा होगा उतना अच्छा है, मिनिमम 50-60 पॉइंट का निफ्टी में और 100-120 पॉइंट का मिनिमम बैंक निफ्टी में,
बड़ा गैप अप जितना होगा उतना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा अच्छा होगा, गैप अप या गैप डाउन। क्लियर है? ये क्लियर है? ये दो सिस्टम अभी आप समझ लो, क्योंकि तीसरी जो सिस्टम है वो मैं ऑप्शन राइटिंग का जब आपको क्रेडिट स्प्रेड की बात करूंगा एग्जैक्टली जो मैं रोज करता हूं, तभी आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, तो मैं तभी सिखाऊंगा वो, इट विल बी बेटर। ये दो सिस्टम समझ लो, मैं अनम्यूट करता हूँ, दो सिस्टम समझ लो। तीसरी जो सिस्टम है जो मैं ऑप्शन राइटिंग में सिखाऊंगा रोज जो करता हूँ ट्रेड, वो सिस्टम आपको पता भी है पर मैं वापस सिखाऊंगा। उसी के साथ आप जैसे मैं ऑप्शन राइट कर रहा हूँ वही टाइम पे आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस में कितना पॉइंट का गैप रखना है सीएमपी? जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आ गया, जैसे हमने ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमारे फेवर में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में कोई भी ट्रेड है, फिर उसमें हम असल एसएलपी कर सकते हैं, एसएलपी लॉट मतलब बढ़ा सकते हैं जैसे ट्रेड में था फेवर में जाने लगा। नहीं समझा मुझे, आवाज नहीं आया। नहीं समझा मुझे, आवाज नहीं आया, बीच में कट हो गया सर। उपेंद्र जी आप ट्रेड में है, आगे क्या हुआ? आवाज नहीं आया आपका मुझे, आप ट्रेड में है इतना ही समझा। भूपेंद्र जी आवाज नहीं आया आपका, बताना अगर कुछ रहेगा तो बताना वापस, मुझे नहीं समझा। स्ट्राइक प्राइस में कितना पॉइंट का गैप रखना चाहिए? ट्रेड फेवर में है तो और लॉट ऐड कर सकते हैं? नहीं है, नहीं कर सकते, अभी नहीं करना है। लॉट साइज प्लस करने के बारे में कुछ कुछ रहते? ओके, लॉट साइज ऐड नहीं करना है। थैंक यू सुधीर जी, लॉट साइज ऐड वगैरह कुछ नहीं करना है। का बता रहे ऑप्शन का, तो ये हफ्ते का बता रहे की डेली का, इंटरडे का बता रहे सर? इंटरडे भी मिले आप होगा क्या? इंट्राडे का बता रहा हूँ। ओके, इंट्राडे का बता रहा हूँ। ऑप्शन इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू लर्न बट आई डोंट यूज इट, वी आर गोइंग टू लर्न आई डोंट यूज इट। ट्रेड फेवर में है तो और लॉट वगैरह अभी कुछ ऐड नहीं करना है, वो बहुत आगे की बात है, ठीक है ना। स्ट्राइक प्राइस में कितना पॉइंट का गैप रखना है सीएमपी से शॉर्ट के लिए? 200 इन द मनी करते हैं ना सर, 200 पॉइंट इन द मनी, 100 पॉइंट इन द मनी। वैभव जी पुट लेना है ना आपको, पुट लेना है 100 या 200 पॉइंट इन द मनी लेना है? तो अभी ये सिर्फ दो सिस्टम समझ लो आप, क्योंकि तीसरी जो सिस्टम है मैं रोज ट्रेड करता हूँ वो तो मैं आपको ऑप्शन राइटिंग के लिए कल समझाऊंगा वापस एक बार। उसी के साथ मैं आपको और दो सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट भी समझाऊंगा, जो लाइन इन द प्ले और मैं यूज करता हूँ, आपको पता है लाइन इन द प्ले, लास्ट लेवल इन द प्ले और डायनेमिक लेवल, तो उसके साथ मैं क्रेडिट स्प्रेड भी कल समझाऊंगा। तभी मैं वही सेम सिस्टम आप बाइंग के लिए भी यूज कर सकते हो, जहां पे मैं क्रेडिट स्प्रेड कर रहा हूँ वहीं पे आप बाय भी कर सकते हो निफ्टी का व्यू बना के। सी दीज आर प्योरली यस्टरडे, एक तो ट्रेंड के ऊपर या यस्टरडे लो हाई के ऊपर हैमर या ये बन रहा है। हम जो रोज ट्रेड करते हैं एज यू नो कि हम एक व्यू बनाते हैं और फिर वो व्यू जब मैच होता है तब ट्रेड करते हैं। तो मैं जो कल सिखाने वाला हूँ वहीं पे जब जब मैं ऑप्शन राइट करूंगा आप बाय करोगे ऑप्शन सेम ट्रेंड, सुबह सुबह फर्स्ट ट्रेड बोलेंगे उसको, सुबह सुबह फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। क्वेश्चन था पूछ लिया, बाकी जो यस एनी मोर क्वेश्चंस? ये दोनों ऑप्शन की सिस्टम के कुछ नहीं समझा पूछो, मैं वापस बताऊंगा अगर नहीं समझा है तो, दोनों में से कोई भी सिस्टम में डाउट है तो पूछो वापस बताऊंगा सर। पर इतने सांगा ना दोनों पन सिस्टम। ओके श्योर, पहली सिस्टम ये है कि आपको प्योरली इंट्राडे करनी है, कुछ नहीं देखना है, ये मार्केट का कल का क्लोज है, ये कल का हाई है,
कल का लो है जो भी है, सपोज ये कल के हाई के पास एक हैमर बन जाता है, कोई तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, अच्छा एक हैमर बन जाता है, तो आपको ऑप्शन बाय कर देना है, और जब तक 9 AVA के ऊपर नहीं आता निफ्टी या बैंक निफ्टी, तब तक नीचे नहीं आता, 9 AVA के नीचे नहीं आता तब तक उसको होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है 9 AVA के नीचे क्लोज होने के बाद। या अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन जाता है तो पुट ले लेना है, ये कॉल खरीद रहे हैं ना, पुट ले लेना है और नीचे जा रहा है, जब ये 9 AVA के ऊपर आ जाएगा, 9 AVA के ऊपर आ जाएगा तब उसको छोड़ देना है, तब तक उसको कैरी करना है। या तो कोई कोई क्लियर कट टारगेट रहेगा, पहले का कोई रेजिस्टेंस रहेगा, तब वहां पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ये क्लियर है। बस कल के क्लोज के ऊपर आपको हैमर देखना है, कल के क्लोज के नीचे शूटिंग स्टार देखना है, पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो और बढ़िया रहेगा। हेलो, ये क्लियर है? हेलो, हाँ सर, एग्जिट फॉर एग्जिट, ये 9 AMA का जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, तो 5 मिनट्स में एग्जिट करना है कि 1 मिनट में देख के एग्जिट? अभी 5 मिनट पे ही करना है, आगे जाके 30-40 ट्रेड लेने के बाद आप 1 मिनट पे भी उसको टाइम कर पाओगे तो जल्दी एग्जिट कर पाओगे, पर अभी करेंगे तो कभी कभी हम प्री मैच्योर एग्जिट करेंगे, यानी हम एग्जिट करेंगे वापस ऊपर चला जाएगा फिर हम पकड़ेंगे, तो अभी 5 मिनट पे करेंगे, हमें सिर्फ 1 मिनट यूज करने के लिए हमें उतना साइकोलॉजी और टेक्निकली वो सिस्टम के साथ घुल मिल जाने के बाद हमें समझेगा कि 1 मिनट पे कौन से कैंडल को करना है कौन से को नहीं करना है, 1 मिनट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो सब धीरे धीरे हमारी नजर बैठेगी, अभी 5 मिनट पे ही करना है, आगे जाके हम करेंगे एकदम 1 मिनट पे नहीं, पहले 3 मिनट पे जाएंगे फिर 1 मिनट पे जाएंगे। और 9 AVA सेकंड कैंडल पे करना है ना, सेकंड कैंडल? हाँ, पहला रेड बन गया, पहला रेड नीचे क्लोज हो गया, नेक्स्ट रेड पे क्लोज कर दें। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे पहला ग्रीन बन गया, नेक्स्ट ग्रीन पे क्लोज। 9 AMA 10 AMA जो भी यूज करो, एक ही यूज करो, ऐसा कुछ नहीं, 9 या 10, ठीक है, ये सिस्टम क्लियर है? और किसी को पूछना है? हेलो, हाँ सर, जैसे अपन पास का लेते हैं कि दूर लेते हैं, मुझे एक बार ये आप समझाइए, जैसे 200 पॉइंट अंदर लेंगे, अभी जैसे अभी यह पर 40,000 है ना, ये 40,000 है, ठीक है ना, तो आप 39,800 का कॉल लेगी, ठीक है, हाँ। निफ्टी में भी 200 पॉइंट अंदर का लेना है, तो फिर आपका भले डेल्टा ज्यादा होगा पर थीटा कम होगा, डीके कम होगा, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? ये क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा सिस्टम देखें। दूसरा सिस्टम ये है कि अगर 1 आवर में निफ्टी या बैंक निफ्टी 1 आवर में ट्रेंडिंग है, जैसे कि वो था, अभी नहीं है, अभी तो नीचे आया, वन आवर में निफ्टी परसों कैसे था? 1 आवर में ऐसे था, ट्रेंडिंग था, 1 आवर में ऊपर था, यहाँ पे था, ऐसे था, शूटिंग स्टार नहीं, नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट सुनील जी, 5 मिनट, 1 मिनट नहीं, ऐसे था 1 आवर में, तो ऐसे था 1 आवर में, तो अप ट्रेंडिंग था, अप ट्रेंडिंग था, तो अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है 1 आवर में और कभी आपको गैप अप मिल गया और अगर पहला कैंडल ग्रीन हो गया, पहला कैंडल ग्रीन हो गया, नेक्स्ट कैंडल पे आप खरीदी कर सकते हो अप टू द क्लोज,
अप टू द क्लोज, जैसे कि मैंने किया, जैसे कि मैंने ये ट्रेड किया गैप डाउन में. यस सॉरी, मैंने क्या पूछा, मैंने कुछ गलत कहा शायद, पता नहीं. गैप डाउन में, तो यहाँ पे मुझे गैप डाउन मिला. टू बी फेयर थोड़ा सा छोटा मिला, 947 एंड क्या बोल रहा हूँ, 497 और 40 पॉइंट का ही मिला. पर ये कैंडल यहाँ पे अलग दिख रही है, वहां पे अपस्टॉक में बहुत अलग दिखती है जैसे वैभव जी ने बोला. तो यहाँ पे कहीं मैंने ग्रीन ही दिखी वहां पे, तो यहाँ पे मैंने खरीदी किया. ग्रीन कैंडल दिख रही थी वहां पे, तो ग्रीन पे कली पहली ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे खरीदी किया एंड देन कॉल नहीं लिया, मैंने क्रेडिट स्प्रेड लिया एंड देन क्लोज पे यहाँ पे, यहाँ पे क्लोज पे मैंने यहाँ पे एग्जिट किया. ये क्लोज है ना, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, यहाँ पे परचेस किया और यहाँ पे एग्जिट किया. ठीक है. और वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में है, वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में है और आपको बड़ा गैप अप मिल जाता है और फिर एक रेड कैंडल अगर बन जाती है, तो आप नेक्स्ट रेड कैंडल पे पुट खरीद सकते हो अप टू दिस क्लोज, अप टू यस्टरडेज क्लोज. इसमें कुछ डाउट है? ये मैंने बेसिक सिस्टम बताई आपको. दो प्राइज एक्शन यूज करके भी आप ट्रेड कर सकते हो, और मैं तीसरा सिस्टम कल बताऊंगा जो मॉर्निंग में मैं करता हूँ व्यू यूज करके, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा. थैंक यू सुधीर जी. वो मैं कल सिखाऊंगा जो मैं रोज क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ ना सुबह सुबह, वो भी मॉर्निंग सिस्टम है. तो बेसिकली तीन में से दो मॉर्निंग सिस्टम है, ये भी मॉर्निंग है वो भी मॉर्निंग है. हैमर तो कभी भी बन सकता है, पर ये भी मॉर्निंग है. गैप अप गैप डाउन बहुत रेयरली मिलेगा ऐसा आपको, ये बहुत रेयरली होगा, जो कल हुआ बहुत रेयरली होगा. बट जो मैं सिखाऊंगा वो लगभग महीने में 10-12 बार होगा, सो दैट यू कैन ट्रेड. मैं सिखाऊंगा वो महीने में 10-12 बार होगा, सो आई ट्रेड दैट, यू कैन ऑल्सो ट्रेड. आई ट्रेड विद क्रेडिट स्प्रेड, यू कैन ट्रेड विद ऑप्शन बाइंग, जो मैं करता हूँ रोज. ठीक है. सो एनीथिंग एनी वन वॉन्ट टू आस्क? और कल दोपहर को 2:30 बजे मिलेंगे. आई विल टीच यू क्रेडिट स्प्रेड, आई विल टीच यू माई थर्ड सिस्टम, जो आप ऑप्शन बाइंग को भी यूज कर सकते हो. तो ऑप्शन बायर भी कल आ सकते हैं समझने के लिए. तो उनको जैसे हम क्रेडिट स्प्रेड में एंट्री करेंगे, आप ऑप्शन बाइंग में एंट्री करोगे, उसमें क्या है, सिस्टम तो वही है. सर ऑप्शन बाइंग के लिए क्या हो, जर्नल नहीं, ट्रेडिंग प्लान और जर्नल का फॉर्मेट जरा दीजिए ना. बाइंग का थोड़ा अलग होगा ना फॉर्मेट? नहीं, बाइंग का फॉर्मेट अलग नहीं होगा, सेम ही होगा. स्ट्राइक प्राइस कौन सी है वो लिखनी पड़ेगी, बाकी टाइमिंग वगैरह अच्छे से लिखना पड़ेगा बाकी. बट ठीक है, चलो मैं ट्रेडिंग प्लान तो मुझे भेजना है ना, ट्रेडिंग प्लान तो भेज दूंगा मैं, तभी मैं जर्नल भी भेज दूंगा. ओके, तो कल 2:30 बजे मिलेंगे फॉर ट्रेड स्प्रेड ऑप्शन राइटिंग. हाँ नितिन जी, ऑप्शन कल देखिए ना एक बार, ऑप्शन अभी थोड़ा चेंज किया है. हाँ क्या, हाँ चेंज हो रहा है, तो बुलिश बेरिश और स्ट्रैंगल वो सब चेंज हुए, इसलिए बोल रहा हूँ. मतलब तीनों टाइप देख लूँगा. मैं एक बार देख लूंगा ऑप्शन में. हाँ चलेगा चलेगा. ओके ओके ठीक है. ओके सो कुछ भी डाउट होगा आप मुझे एनी टाइम यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. मैं अभी निकलूंगा, मुझे 11:30 बजे का पहुंचने को. ठीक है, कल मिलेंगे और कल दोपहर को मिलेंगे. ओके और मैं इसका ट्रेडिंग प्लान, दोनों सिस्टम का ट्रेडिंग प्लान आपको कल दे दूंगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी वन एंड वेलकम सुधीर जी और नीरज जी आए थे ना. अच्छा नीरज जी किधर है, नीरज जी शायद निकल गए. ठीक है, सो मिलते हैं. थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी, अभय जी, आलोक जी, अमोल जी, कितकी जी, अंजू जी, अशोक जी, दीपक जी, दीपाली जी, गणेश जी, गिरीश जी,
गोकुल जी, कमल जी, मनोज जी, नरेंद्र जी, नयनजीत माने जी, नितिन जी, प्रणव जी, राज जी, राजेंद्र जी, राजीव जी, रानी जी, रजनीश जी, रोहित, रविंद्र जी, रोहिदास जी, चंद्रा जी, सचिन जी, संतोष जी, संतोष जी, सतीश जी, श्रीधर जी, सुधीर जी, वैभव जी, प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, गुड बाय. चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है मुझे. ओके, चलो गुड बाय, थैंक यू, बाय.